नमस्कार दोस्तों, अल्फा ऑफिसर्स एकेडमी के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल पर आरएएस मेंस की रिवीजन सीरीज चल रही है, उसमें हम कवर कर रहे हैं लॉ। तो जो लॉ आपका रहेगा वो तीन लेक्चर्स में डिवाइडेड है। एक लेक्चर हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, आप उसे भी देख सकते हैं। उसमें हमने कवर किया था ओनरशिप एंड पोजेशन, पर्सनालिटीज, लाइबिलिटीज, राइट्स एंड ड्यूटीज। आज हम करेंगे लेक्चर नंबर टू। तो मैं आपको हल्का सा ओवरव्यू दे देती हूँ कि हम आज क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले रहेगा राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, फिर आपका रहेगा इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, उसके बाद हम देखेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, उसके बाद में हम दो तीन लॉज देखेंगे जो कि वुमेन एंड चिल्ड्रन पर बेस्ड हैं, उसके बाद हम चाइल्ड लेबर लॉ से डील करेंगे, एंड देन लास्ट में हम देखेंगे मेंटेनेंस ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट। तो चलिए बिना देरी के आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हम कवर करने वाले हैं वो आपका रहेगा राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। सबसे पहले तो देखिए कि ये जो आपका एक्ट है वो सिटीजन के एम्पावरमेंट के लिए लाया गया है। यहाँ पर वर्ड यूज हुआ है सिटीजन, मतलब कि राइट तो ये सिटीजन का है, पर अगर कोई जनरल इन्फॉर्मेशन है तो वो कोई भी एनी पर्सन कैन डिमांड, पर अगर हम कंपेल करना चाहें तो वो सिर्फ एक सिटीजन कर सकता है क्योंकि ये उसका राइट है। इस एक्ट के अंदर कोई भी सिटीजन कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या पब्लिक अथॉरिटी से इन्फॉर्मेशन डिमांड कर सकता है, और ये जो आपका एक्ट है ये इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट दैट इज इन्फॉर्मेशन डिमांड करने को लेकर सबका पहला एक्ट था। इससे पहले ना ही तो कोई लॉ था, कोई गाइडलाइन थी, ना ही कोई ऐसा मैकेनिज्म था जो इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर से डील करता था। इसका जो एनफोर्समेंट है वो हुआ है आपका 12 अक्टूबर 2005 को, इसीलिए हम जो 12 अक्टूबर है उसको इन्फॉर्मेशन डे के रूप में भी मनाते हैं। अब देखिए मीनिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन, ये आपका PYQ है तो अपने आप में ही थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जनरली अगर हम देखें तो जो आपका इन्फॉर्मेशन टर्म है ये बहुत ही वास्ट टर्म है, बट क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चंस बन रहे हैं, उसी पर्टिकुलर क्राइटेरिया ऑफ मार्क्स को ध्यान में रखते हुए हमने ये डिजाइन किया है, और ये आपके लिए इनफ रहेगा। ऑल दी डॉक्यूमेंट्स एंड अदर एनाउंसिएशन रिलेटेड टू पब्लिक अथॉरिटी इज कॉल्ड इन्फॉर्मेशन। और इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, कोई भी डॉक्यूमेंट, रिकॉर्ड, मेमो, प्रेस रिलीज, ईमेल, ऑफिस ऑर्डर, लॉग बुक, और अब देखिए डिजिटल फॉर्म। मतलब कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है या डिजिटल रिकॉर्ड है तो वो इन्फॉर्मेशन भी हम डिमांड कर सकते हैं, क्योंकि जब भी कोई चीज़ इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल फॉर्म में होती है तो वो डॉक्यूमेंट की एम्बिट में फॉल करता है, इसीलिए वो RDI में हम मांग सकते हैं। फिर आता है देखिए राइट्स। राइट्स एज इन कि हम क्या क्या डिमांड कर सकते हैं किसी भी पब्लिक अथॉरिटी या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से। तो वी कैन आस्क फॉर एनी फाइल और डॉक्यूमेंट, या फिर नोट्स ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। फिर आती हैं आपकी सर्टिफाइड कॉपीज, मेजरली जो RDI है वो इसी के लिए चलता है। देन है सर्टिफाइड सैंपल्स ऑफ मटेरियल बीइंग यूज्ड इन गवर्नमेंट वर्क। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने देखा हो, बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम्स चल रही हैं, गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, बहुत लोग कहते हैं कि यहाँ पर घपला हो रहा है या मटेरियल अच्छा यूज नहीं हुआ है या ऐसा कुछ भी सिमिलर, तो ऐसे में कोई भी जो सिटीजन है उस डिपार्टमेंट से वहाँ के सैंपल्स मांग सकता है कि ये काम सही से हो रहा है या नहीं, या फिर जो मटेरियल है वो सही यूज हो रहा है या नहीं। देन आपका आता है इलेक्ट्रॉनिक इन्फॉर्मेशन, या हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी दोनों मांग सकते हैं। देन है प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन। अब क्योंकि ये जो एक्ट है वो एक आम आदमी, एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट पर्सन को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, तो इसका जो प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन है वो सिंपल रखा गया है, ताकि कोई ऐसा पर्सन जो ज्यादा टेक्निकल नहीं हो, जो ज्यादा फॉर्मेलिटीज नहीं कर सकता हो या ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हो, तो भी वो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन डिमांड कर सकता है। तो जो एप्लीकेशन आपकी रहेगी वो सबसे पहले रिटन फॉर्मेट में रहेगी, अगर उसको लिखना नहीं आता है तो फिर वो वहाँ के ऑफिसर से ही असिस्टेंस ले सकता है। वो वहीं पर जाके कह सकता है कि मुझे ये पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन चाहिए, मुझे लिखना नहीं आता है, तो आप मुझे असिस्ट करिए या फिर आप मेरे लिए लिखिए। इसका कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं है, अगर आप कोई नॉर्मल लेटर या पैराग्राफ के फॉर्म में भी लिख कर देंगे तो भी आपको इन्फॉर्मेशन ग्रांट की जाएगी। इसकी ज़्यादा फीस भी नहीं रखी गई है, 10 रुपये इसकी बहुत ही मिनिमल फीस है, और अगर आप BPL हैं तो उसके लिए तो बिल्कुल फीस नहीं है। देन आप देखिए कि अगर आपको इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं तो सबसे पहले तो आपको अपनी इन्फॉर्मेशन बताने की जरूरत नहीं है, और सेकेंडली आपको उसका रीज़न भी बताना इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैं क्यों ये इन्फॉर्मेशन मांग रहा हूँ। और लास्ट में जो आपकी एप्लीकेशन है वो पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर को सबमिट की जाएगी। देन आता है पब्लिक अथॉरिटी। जैसे कि हमने राइट्स देखे कि हम क्या क्या मांग सकते हैं, अब हम देखेंगे पब्लिक अथॉरिटीज कि हम किस किस से मांग सकते हैं। इसमें आपका आता है कोई भी इंस्टीट्यूशन जो कि स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के अंदर एस्टैब्लिश हुआ हो, कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन जो कि स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली ने एस्टैब्लिश किया हो, या फिर जो कि फाइनेंस बाय गवर्नमेंट है, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, या फिर फुली और पार्शली ओन्ड बाय गवर्नमेंट। अब देखिए यहाँ पे जो पार्शली वर्ड है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बहुत बार सेमी गवर्नमेंट होने की वजह से जो डिपार्टमेंट्स या इंस्टीट्यूशंस हैं वो मना कर देते हैं कि हम इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करेंगे, बट अगर गवर्नमेंट का हल्का सा भी हाथ है, कुछ परसेंटेज भी गवर्नमेंट फाइनेंस कर रही है या कंट्रोल कर रही है, तो भी वो पब्लिक अथॉरिटी के एम्बिट में आता है। देन आता है ड्यूटीज ऑफ पब्लिक अथॉरिटी। सबसे पहले तो उनको वॉलंटरली खुद ही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देनी है, ताकि RDI की जरूरत ही ना पड़े, बट फिर भी अगर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो कि वो लोग प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं तो वो उनको अरेंज करके रखनी है इन सिस्टमैटिक वे, सो दैट अगर कोई भी पर्सन एप्लीकेशन लगाए तो उसे टाइमली बेसिस पे अच्छे से वो इन्फॉर्मेशन दे दी जाए, क्योंकि अगर वो खुद ही ऑर्गेनाइज फॉर्म में नहीं रखेंगे तो अगर कोई मांगेगा तो भी नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे। देन है कि जो पब्लिक अथॉरिटीज रहेंगी वो एक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर को अपॉइंट करेंगी जो कि इस पर्टिकुलर चीज से डील करेगा वहाँ पर। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, जनरली देखा ही जाता है इंडिया में कि हर चीज़ की अपील फाइल होती है, तो वैसा ही यहाँ पर भी है कि अगर हम इन्फॉर्मेशन ऑफिसर की इन्फॉर्मेशन से, या फिर अगर वो हमारी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देता है, तो ऐसे में हम अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो
अपील के लिए एपिलेट ऑफिसर के पास जा सकते हैं। इसीलिए जो पब्लिक अथॉरिटीज रहेंगी इनको एक एपिलेट ऑफिसर भी अपॉइंट करना है। देन हम देखेंगे डिस्पोजल ऑफ आरटीआई एप्लीकेशन। हमने एप्लीकेशन तो लगा दी, अब वो डिस्पोज ऑफ कैसे होगी? या तो वो हमें इन्फॉर्मेशन दे दें जो हमने मांगी है। अगर हमने किसी गलत डिपार्टमेंट में फाइल कर दी है जबकि इन्फॉर्मेशन कहीं और से मिलनी थी, तो वो हमारी एप्लीकेशन को ट्रांसफर कर सकते हैं। या फिर अगर इन्फॉर्मेशन कुछ ऐसी है कि स्टेट से रिलेटेड है, सिक्योरिटी प्राइवेसी से रिलेटेड है, तो वो हमारी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर सकते हैं। और अगर गलत तरीके से रिजेक्ट की है, वो कोई पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन देना नहीं चाहते हैं, तो इसके लिए हमारे पास अपील के प्रोविजन हैं। देन है कि अगर कोई भी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर रहे हैं, तो एक तो वो राइटिंग में बताएंगे कि हम इसे रिजेक्ट कर रहे हैं, और दूसरा इसके लिए वो रीजन बताएंगे कि हम क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमेशा सही तरीके से ही वो रिजेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज उनके अगेंस्ट एक्शन हो जाएगा। अगर हम सेटिस्फाइड नहीं है तो हमें पता है कि हम अपील के लिए जा सकते हैं, पर इस अपील के लिए कुछ टाइमिंग रहेगा। मतलब कि अगर आप जानते हैं तो जो इंडियन पार्लियामेंट है उन्होंने एक लिमिटेशन एक्ट करके स्टैट्यूट बनाया हुआ है, उसमें हर चीज के रिगार्डिंग एक लिमिटेशन दे रखा है कि अगर आरटीआई एप्लीकेशन है या फिर सूट फाइल करना है या अपील फाइल करनी है तो आप कितने दिन में जा सकते हैं। और अगर वहां नहीं दिया हुआ है तो जो आपका ऐप है वो एक रीजनेबल टाइम प्रोवाइड करता है, आप उसमें जाइए। अगर आप बहुत लेट जाएंगे तो कोर्ट भी आपकी बात नहीं सुनेगी। देन है कि अगर जो हमने इन्फॉर्मेशन मांगी है वो हमने सही डिपार्टमेंट में नहीं मांगी है, तो ऐसे में क्या करेंगे, हमारी एप्लीकेशन को ट्रांसफर कर दिया जाएगा विद इन 5 days टू दी कंसर्न्ड डिपार्टमेंट, जहाँ से कि एक्चुअली हमें इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए थी। और ये जो हम ट्रांसफर करेंगे इसके बारे में हम एप्लीकेंट को भी इन्फॉर्म करेंगे कि आप वहाँ चले जाइए, 5 दिन बाद हम 5 दिन में ट्रांसफर कर देंगे, और उसके बाद में जो आपको इन्फॉर्मेशन है वो वहाँ से मिलेगी। देन है टाइम लिमिट फॉर प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन। तो जो आपका बेसिक टाइम पीरियड है कि कितने में हमें जनरल इन्फॉर्मेशन देनी है, वो आपका रहेगा 30 days। पर यही इन्फॉर्मेशन अगर आपकी किसी की लाइफ से रिलेटेड है, क्योंकि इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी की लाइफ से रिलेटेड, तो ये आपका रहेगा 48 hours में उन्हें देना ही पड़ेगा। अगर कोई इन्फॉर्मेशन है जो कि थर्ड पार्टी से रिलेटेड है, थर्ड पार्टी कौन होती है वो हम अभी देखेंगे, तो जो 10 days का टाइम आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, जैसे कि 30 days तो आपको नॉर्मली मिल रहा था, बट अगर किसी थर्ड पार्टी की इन्फॉर्मेशन है तो यहाँ पे जो आपका 10 दिन है वो एक्स्ट्रा हो जाएगा। उसके बाद है इफ एप्लीकेशन इज रिसीव्ड थ्रू ट्रांसफर। हम अभी अभी देख कर आए हैं कि अगर हमने सही डिपार्टमेंट में फाइल नहीं किया तो ऐसे में जो हमारी एप्लीकेशन है वो ट्रांसफर हो जाएगी, और ट्रांसफर के लिए हमने 5 दिन का टाइम दिया था। तो ये भी अपने आप ही समझ में आ रहा है कि जो 30 days है वो तो उस डिपार्टमेंट में जाने के बाद मिलेंगे, और जो 5 दिन हमें एक्स्ट्रा मिले हैं वो ट्रांसफर की वजह से मिले, तो यहाँ पे जो टाइम पीरियड है वो 35 days हो जाएगा। अब देखिए आपका आता है थर्ड पार्टी। अगेन ये आपका PYQ है, तो इसे आप अच्छे से देख लीजिए। अगर मैं आपको बेसिक बताऊं कि थर्ड पार्टी क्या होती है, तो फॉर एग्जांपल कि मैं कहीं पर काम कर रही हूँ, तो मैं तो हो गई वहाँ की एम्प्लॉई, और जहाँ पर काम कर रही हूँ वहाँ पर कोई होगा जो वहाँ को मैनेज कर रहा है, वो होगा एम्प्लॉयर। हम दोनों आपस में अगर कोई इन्फॉर्मेशन डिमांड करते हैं, मतलब कि एम्प्लॉयर मुझसे या फिर मैं एम्प्लॉयर से या ऑफिस के बारे में कुछ, तो वो तो हमारी डायरेक्टली रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है, तो वो थर्ड पार्टी नहीं होगी। बट वहीं अगर हम दोनों के अलावा कोई थर्ड पर्सन उस ऑफिस के बारे में, मेरे बारे में दैट इज एम्प्लॉई, या फिर एम्प्लॉयर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन डिमांड कर रहा है, क्योंकि वो डायरेक्टली रेलेवेंट नहीं है, वो हो गया आपका थर्ड पार्टी। अब देखिए इफ इन्फॉर्मेशन इज रिक्वेस्टेड बाय एनी पर्सन ऑर्गेनाइजेशन अदर देन द सिटीजन, दे विल बी कंसिडर्ड एज थर्ड पार्टी। और इफ इन्फॉर्मेशन अबाउट अदर पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन इज रिक्वेस्टेड फ्रॉम पब्लिक अथॉरिटी, देन सच पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन विल बी कंसिडर्ड एज थर्ड पार्टी। अब आता है कि कौन कौन सी जो इन्फॉर्मेशन है वो हम नहीं मांग सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको हल्का सा हिंट दिया था कि कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन होती है जहां पर कि वो लेजिटली मना कर सकते हैं कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये सिक्योरिटी से रिलेटेड है, हम आपको नहीं दे सकते। तो वैसे ही कुछ पॉइंटर्स हैं। सबसे पहला आता है सोवरेनिटी, इंटेग्रिटी एंड सिक्योरिटी। ये तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में खुद नहीं बोला हुआ है कि जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं वो भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के साथ हैं। तो वो जो सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है ये उन्हीं में से कुछ इंपॉर्टेंट रिस्ट्रिक्शंस हैं। देन आपका आता है कि अगर किसी लॉ ने या कोर्ट ने ही मना कर दिया कि इन्फॉर्मेशन शेयर करने लायक नहीं है, तो वो लोग मना कर देंगे, दैट इज जो पब्लिक ऑफिसर्स हैं वो मना कर देंगे। या फिर आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो पार्लियामेंट या स्टेट असेंबली के किसी भी प्रिविलेज के इंफ्रिंजमेंट कर रही है। अब अगर उन्हें प्रिविलेज मिला है तो वो इसीलिए मिला है ताकि वो उसे यूज कर सकें, अगर हम उसी को इंफ्रिंज कर देंगे तो ये तो गलत हो गया, कॉन्फ्लिक्टिंग प्रोविजन हो गया। देन है कैबिनेट से कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं बताए जाएंगे। अगर कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट हो रहा है तो वो भी नहीं बताई जाएगी इन्फॉर्मेशन। अगर कोई भी ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट, ये एक ऐसा एक्ट है जिसमें कि जैसे कि 9th schedule होता है कॉन्स्टिट्यूशन में, वैसे ही ये ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट है। जब भी गवर्नमेंट को लगता है कि कोई पर्टिकुलर डेटा है जो कि अगर पब्लिक एम्बिट में आ गया तो वो हार्मफुल प्रूव हो सकता है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट यहाँ पर प्रोटेक्ट करवाती है। तो अगर इसके अंदर कोई भी इन्फॉर्मेशन है तो वो बाहर नहीं जा सकती है। देन है अगर कोई भी चीज जो ट्रेड कॉम्पिटिशन को एडवर्सली अफेक्ट कर रही है वो इन्फॉर्मेशन नहीं बताएंगे। और लास्ट में आता है सिक्योरिटी एंड इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, फॉर एग्जाम्पल रॉ। अगर रॉ की कोई इन्फॉर्मेशन है तो वो बाहर आना अलाउड नहीं होता है, तो हम उसके लिए आरटीआई फाइल नहीं कर सकते हैं। देन आता है अपील। ये हमें पता है कि अगर हम जो पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर्स हैं उनकी चीज से या तो उन्होंने कोई इन्फॉर्मेशन दी है या फिर उन्होंने हमारी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट कर दी है, दोनों में से कोई भी रीजन या कोई और रीजन जिसे कि हम सेटिस्फाइड नहीं है, तो फिर हम अपील के लिए फाइल कर सकते हैं। अब उसके कुछ रीजन हैं, या तो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करी या बहुत डिले कर दिया बिना, मतलब हमारे पास 30 days का टाइम था, हम देख कर आ चुके हैं, या फिर जो इन्फॉर्मेशन है वो गलत दी है ताकि बस हम शांत बैठ जाएं, या फिर गलत तरह से रिजेक्ट कर दी है। हमने ये भी देखा था कि जो फीस है वो 10 rupees है, यहाँ पर अगर वो कुछ इनअप्रोप्रिएट चार्जेस मांग रहे हैं जो कि रीजनेबल नहीं है तो वो भी गलत है। अब देखिए
ये आपका कुछ टाइम स्टैम्प का रहेगा, जो कि अगर आपका 2 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो बहुत इजीली आप लिख पाएंगे। कंप्लेंट कैन बी मेड अगेंस्ट इन्फॉर्मेशन ऑफिसर टू द एपिलेट ऑफिसर विद इन 30 डेज। फिर आता है अगर कंप्लेंट की है एपिलेट ऑफिसर के अगेंस्ट तो कहाँ जाएगी, सबसे पहले तो स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर के पास जाएगी और वो जाएगी 90 डेज में। और लास्ट में क्योंकि ये RTI अलग से एक एक्ट बनाया गया है, इसके अंदर कुछ अथॉरिटीज इन्होंने डाली है, तो ये एक स्पेशल एक्ट हो गया और स्पेशल कोर्ट रहेगी इसके लिए, मतलब कि सिविल कोर्ट का जुरिस्डिक्शन यहाँ पर अपने आप बार हो जाएगा, तो ये जो मैटर है वो कोर्ट में नहीं जा सकता। और जो लास्ट अथॉरिटी हमने देखी दैट इज स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर, इसका जो भी डिसीजन रहेगा वो फाइनल रहेगा और बाइंडिंग रहेगा। फिर आती है पेनल्टी कि अगर हमने इन्फॉर्मेशन मांगी और उन्होंने नहीं दी या फिर कोई भी ऐसा काम किया जो कि कॉन्ट्रावेंशन में है तो उनको 250 रुपीज पर डे देना पड़ेगा। पर ये जो मैक्सिमम पेनल्टी रहेगी आपकी, मान लीजिए उन्होंने 2-3 दिन तक ऐसा किया तो 250 प्लस 250 प्लस 250 हो जाएगा, बट ये जो पेनल्टी है वो किसी भी तरह से 2500 से एक्सीड नहीं करनी चाहिए, दैट इज आपका 2500 रुपीज। ये हमारा खत्म होता है RTI एक्ट। अब हम देखेंगे कुछ साइबर लॉज, इसमें आपका आ जाएगा इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, बट हम वो तब डील करेंगे जब हम जानेंगे कि साइबर क्राइम होता क्या है, तो पहले हम इसे समझते हैं। अब देखिए अगर हम क्राइम की बात करें तो कोई भी नॉर्मल क्राइम क्या होता है कि हम स्टेट के अगेंस्ट कुछ कर रहे हैं जो कि लॉ गलत बताता है, या फिर हम किसी पर्सन के अगेंस्ट कुछ गलत कर रहे हैं जो कि लॉ के अगेंस्ट है। वही क्राइम में जब इंटरनेट या कंप्यूटर इंक्लूड हो जाता है तो वो साइबर क्राइम हो जाता है। ये इसकी बेसिक डेफिनेशन हो गई। अब देखिए जो साइबर क्राइम है वो मैटर ऑफ कंसर्न क्यों बन रहे हैं, आजकल हम देख रहे हैं कि हर जगह साइबर क्राइम तो बहुत ही चल रहा है, तो वो क्यों चल रहा है, क्योंकि ये ग्लोबल इशू है, कोई भी कहीं पे भी बैठे हुए और किसी भी पर्सन के अगेंस्ट कमिट कर सकता है। कोई भी बंदा जो इंडिया में बैठा है वो किसी भी अमेरिकन के अगेंस्ट एक साइबर क्राइम कमिट कर सकता है, उसको वहां पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही जो अमेरिका वाला पर्सन है उसको यहाँ पर आने की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर फेस और आइडेंटिटी भी नहीं पता लगती है, बहुत सारे फ्रॉड्स ऐसे हो रहे हैं जिसमें कि पता ही नहीं लगता किया किसने है। इसमें हम एक साथ ज्यादा पब्लिक को अटैक कर सकते हैं, अभी हम इसका एक एग्जांपल देखेंगे सलामी अटैक करके, उसमें यही होता है एक पर्सन बहुत सारे लोगों को अटैक कर रहा है एक ही बार में। देन आता है कि ज्यूरिसडिक्शन से बंधे हुए नहीं होते हैं। अब आप देखिए जब भी कोई क्राइम होता है हम उसकी कोई भी कंप्लेंट फाइल करते हैं, FIR फाइल करते हैं, और वो जो आपकी कंप्लेंट या FIR फाइल होती है वो हमेशा ज्यूरिसडिक्शन बेसिस पे होती है। पर क्योंकि साइबर क्राइम में ज्यूरिसडिक्शन हम डिफाइन ही नहीं कर पाते हैं, तो यहाँ पर उसका कॉग्निजेंस लेना अपने आप में बहुत कॉम्प्लिकेटेड टास्क हो जाता है। और ये जो साइबर क्राइम्स हैं ये कभी कभी दूसरे क्राइम्स को प्रमोट करने के लिए भी होते हैं, फॉर एग्जांपल टेररिज्म। बहुत सी बार हम देखते हैं कि जो टेररिज्म करवा रहे हैं, मान लीजिए इंडिया के कुछ बच्चे उसमें इन्वॉल्व हैं, बट कोई बाहर से पर्सन उन्हें गाइड कर रहा था, मेंटरशिप कर रहा था उनकी, तो ऐसे में जो साइबर क्राइम है वो कहीं ना कहीं टेररिज्म में इंक्लूडेड है, इसीलिए वो बच्चे इन्वॉल्व हो पाए और फिर यहाँ पर टेरर कमिट कर पाए हैं। तो ऐसे में जो साइबर क्राइम है वो दूसरे क्राइम को भी प्रमोट करने में हेल्प करते हैं। अब आपका आता है मोस्ट कॉमनली रिपोर्टेड साइबर क्राइम। वैसे तो साइबर क्राइम्स बहुत सारे हैं, बट यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट डील करने वाले हैं जो कि मोस्ट कॉमनली देखे जाते हैं। सबसे पहले क्रिमिनल हैकिंग, हैकिंग, और उसमें हमने एक ऐड कर दिया है वर्ड दैट इज क्रिमिनल, मतलब कि कहीं ना कहीं क्रिमिनल ऑफेंस को ही बढ़ावा दे रहा है। सबसे पहले तो हैकिंग का मतलब क्या होता है, सिक्योरिटी ब्रीच कर देना किसी भी कंप्यूटर या सिस्टम की और वहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन निकाल लेना, जिसका कि हम मिसयूज भी कर सकते हैं। बट वही अगर हैकिंग गुड ऑब्जेक्टिव के लिए हो रही हो तो उसे हम एथिकल हैकिंग कहेंगे। जैसे कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई पर्टिकुलर सिस्टम हैक करती है तो दैट कोई या तो फॉर द प्रिवेंशन ऑफ कमीशन ऑफ एनी ऑफेंस, या फिर कोई ऐसा पर्सन है जो कि हमें लगता है कि इसने ऑफेंस कमिट किया और ये बच रहा है तो उसे पकड़ने के लिए, तो वो कहीं ना कहीं गुड ऑब्जेक्टिव हो जाता है। देन है सलामी अटैक। ये अभी मैंने आपको बताया था कि हम लार्ज नंबर ऑफ पीपल को एक साथ अटैक करते हैं, बट इसमें होता क्या है, देखिए कोई भी एक पर्सन है जो कि फॉर एग्जांपल 1 लाख लोगों के अकाउंट को एक बार में अटैक कर रहा है और उस पूरे 1 लाख लोगों के अकाउंट से 1-1 रुपया उसने निकाला है, हमारे लिए वो बहुत ही छोटा अमाउंट हो जाता है, तो हम उसको इतना माइंड नहीं करते हैं, इसलिए हम उसको रिपोर्ट भी नहीं करते हैं, और इससे कहीं ना कहीं साइबर क्राइम को बढ़ावा मिल रहा है। बट आप सोचिए हम सबके अकाउंट से 1 रुपया निकला है और जिसके पास पहुंचा है उसके पास तो 1 लाख रुपया आ गया एक ही बार में, तो ये भी एक आपका साइबर क्राइम है। फिर आता है फिशिंग और विशिंग। अब देखिए ये दोनों वैसे तो एक ही तरह का साइबर क्राइम है, द ओनली डिफरेंस इज फिशिंग में हम टेक्स्ट मैसेज करते हैं और विशिंग में हम कॉल यूज कर रहे हैं, इसीलिए विशिंग को वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल भी कहा जाता है। इन दिस क्राइम क्रिमिनल फॉरवर्ड्स अ ल्यूक्रेटिव मैसेज टू अननोन पर्सन बाय विच दे आइदर प्रॉमिसेस फाइनेंशियल प्रॉफिट और थ्रेटन्स अबाउट फाइनेंशियल लॉस। तो फाइनेंस तो कहीं ना कहीं इंक्लूडेड है, इसीलिए सारे क्राइम्स हो रहे हैं। इफ दे टारगेट कॉन्टैक्ट्स द क्रिमिनल देन ही मे आस्क फॉर मनी और सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। अगर फिशिंग के थ्रू किसी क्रिमिनल को पकड़ा जा रहा है तो हम उसे पैसे भी मांग सकते हैं या फिर कोई ऐसी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जैसे कि वो जो क्रिमिनल है चुराकर भागा हो, ये डिपेंड करता है कि किसके साथ हो रहा है और कब हो रहा है। देन आता है फिशिंग। इन दिस मेथड क्रिमिनल अब्यूज द पब्लिक ट्रस्ट ऑन टेलीफोन, क्योंकि हम कॉल यूज कर रहे हैं, ऑब्टेन सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन थ्रू कॉल एंड देन मिसयूज इट, इसीलिए इसे वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल भी कहा जाता है। देन आपका आता है साइबर स्क्वैटिंग। इसे समझने से पहले आप दो चीज समझिए, अगर आपने सुना हो तो जो डोमेन नेम होते हैं वो दो तरह से डिफाइंड होते हैं, .in और .com, इसमें से एक होता है वर्ल्ड के लिए और एक होता है इंडिया के लिए। अब आप देखिए कि कोई स्टार्टअप है जो कि अभी अभी बना है और वो बहुत ग्रो कर रहा है, बट अभी उसका जो एम्बिट है वो सिर्फ इंडिया लेवल पर ही है, बट हमें पता है कि अगर वो इसी तरह से ग्रो करता गया तो विद इन अ ईयर और टू या फिर विद इन फ्यू मंथ
ये पूरे वर्ल्ड पर छा जाने वाला है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, मान लीजिए उसका कोई डोमेन नेम है xyz.in, हम उसी सेम डोमेन नेम पर xyz.com ले लेंगे, सो दैट वो पूरे वर्ल्ड में चल रहा है। अब जब जिस पर्सन का बिजनेस है उसे एक्चुअली पूरे वर्ल्ड में काम करना होगा, जब उसे .com वाली डोमेन नेम चाहिए होगी, तब उसे समझ आएगा कि जो मेरा डोमेन नेम है वो तो ऑलरेडी कोई और लेकर बैठा है। अब क्योंकि उसे सेम डोमेन नेम चाहिए ताकि लोग आसानी से उसे रिकॉग्नाइज कर पाएं, तो ऐसे में हम उसे हायर प्राइस लेते हैं। अगर आपने ब्लैक का नाम सुना हो तो वो इसी से कहीं कहीं सिमिलर है। तो ऐसे में हम डोमेन नेम उसी का है, बट क्योंकि हमें एक्स्ट्रा पैसे कमाने थे, एक क्रिमिनल हमारा इंटेंशन था यहाँ पर, इसीलिए ये साइबर स्क्वैटिंग में आता है। इन दिस मेथड अ क्रिमिनल रजिस्टर्स डोमेन नेम इन द नेम ऑफ अ फेमस ऑर्गेनाइजेशन एंड लेटर सेल्स दैट नेम टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑन अ हायर प्राइस। उसी ऑर्गेनाइजेशन को हम दे रहे हैं बट उनसे हायर प्राइस ले रहे हैं, और ये अनरीजनेबल होता है बहुत। देन आपका आता है बॉट नेटवर्क। इन दिस मेथड जो क्रिमिनल होता है वो बहुत सारे कंप्यूटर या जिसे हम नहीं कहते लैंडमाइन वैन, ऐसे बहुत सारा जहाँ पर सिस्टम है उसको यहाँ पे डायरेक्टली अटैक किया जाता है। दिस नेटवर्क हैज न्यूमरस साइबर क्रिमिनल, दे कैन मिस यूज द कंप्यूटर विद रॉन्ग ऑब्जेक्टिव। अफकोर्स उनका क्रिमिनल इंटेंट है इसीलिए ये सब कर रहे हैं वो लोग। देन आता है स्पूफिंग, क्रिमिनल स्टील आइडेंटिटी ऑफ अ कंप्यूटर एंड मिस यूजेज इट। इसमें जो क्रिमिनल है उसे पकड़ना मुश्किल क्यों हो जाता है वो मैं आपको बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पर बैठे किसी पर्टिकुलर ऑफिस में काम कर रही हूँ, अब कोई और पर्सन है, उसने मेरा जो सिस्टम है जो कंप्यूटर उसे हैक कर लिया, अब वो मेरे सिस्टम से कुछ गलत काम कर रहा है, या तो कोई इन्फॉर्मेशन ले रहा है या फिर कुछ पोस्ट कर रहा है पब्लिकली, तो ऐसे में जिसका नाम सामने आ रहा है वो है मैं, क्योंकि वो मेरे सिस्टम से हो रहा है, बट एक्चुअली जो कोई कमिट कर रहा है वो मेरी आइडेंटिटी के पीछे छुपा हुआ है, एक लेयर आ गई है, तो ऐसे में उसे पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, बट कर तो कोई और ही रहा है। फिर आता है वायरस, ये सबसे कॉमन है जिसके बारे में आप सभी ने सुना होगा। ये एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कि प्रोग्रामर बनाता है, किसी पर्टिकुलर पर्पज के लिए बनाया जाता है। बहुत तरीके के वायरस होते हैं, ये डायरेक्टली कंप्यूटर को जो है अटैक करता है, या तो जो इन्फॉर्मेशन होती है उसे फटाफट से डिलीट कर देता है। बहुत सारे ऐसे वायरस होते हैं कि हम जैसे ही उसे डाउनलोड करते हैं पूरा जो कंप्यूटर है वो एक ही बार में फॉर्मेट हो जाता है, या फिर कभी कभी ऐसे में हमसे कुछ डिमांड की जाती है, कंडीशंस रखी जाती हैं, जैसे कि रैमसम मांगा जाता है, या फिर हम देखते हैं कि धीरे धीरे जो हमारा कंप्यूटर डेटा डिलीट हो रहा है अगर हम ये कंडीशन फुलफिल नहीं करेंगे तो ये बहुत टाइप के वायरस होते हैं। ये जो हमारे कंप्यूटर में आता है वो इंटरनेट के थ्रू भी आ सकता है, या फिर स्टोरेज डिवाइस जैसे कि पेन ड्राइव यूज किया या फिर सीडी यूज किया, किसी भी जो प्लेटफॉर्म है उसके थ्रू आ सकता है। देन आता है पोर्नोग्राफी। पोर्नोग्राफी तो वैसे भी आईपीसी में, पॉक्सो में, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन एक्ट, ऐसे बहुत सारे एक्ट है जहाँ पर की पोर्नोग्राफी को पनिशेबल ऑफेंस बताया है, और अगर वही चीज इंटरनेट या कंप्यूटर के थ्रू हो रही तो वो साइबर पोर्नोग्राफी में आ जाता है, और वो भी एक पनिशेबल ऑफेंस है। अब देखिए पोर्नोग्राफी समझाया है यहाँ पर, अ मटीरियल नॉट सूटेबल अकॉर्डिंग टू सोशल कल्चरल वैल्यूज ऑफ सोसाइटी इज ट्रीटेड एज ऑब्जेक्शनेबल मटीरियल, और इसी को हम पोर्नोग्राफी में इंक्लूडेड मानते हैं। इंडिया में ये पनिशेबल ऑफेंस है हम जानते हैं, और ये बहुत सारे एक्ट्स में पनिशेबल है। देन आता है वेबसाइट डिफेसमेंट। If criminal obtains access to web server and replaces the information on the website or place illicit content, that it is known as web defacement. ये कुछ कुछ जो हमने वायरस और बाकी स्पूफिंग जैसा देखा वैसा ही है, बस ये टेक्स्ट को चेंज कर रहा है। जैसे कि स्पूफिंग में कोई मेरे कंप्यूटर पे बैठ के कोई और वहाँ पर काम कर रहा है, वैसे यहाँ पर क्या होता है, वेबसाइट किसी और की है, नाम किसी और का है, बट उस वेबसाइट का एक्सेस लेके वहाँ पर गलत इन्फॉर्मेशन डाल रहे हैं, या फिर उस वेबसाइट को किसी गलत अनलॉफुल पर्पज के लिए यूज किया जा रहा है, तो उसे हम कहते हैं वेबसाइट डिफेसमेंट। फिर आता है आपका साइबर डेफेमेशन। अब देखिए पहले तो नॉर्मल डेफेमेशन क्या होता है, किसी भी पर्सन की रेपुटेशन को हार्म कर देना इज डेफेमेशन, और डेफेमेशन नॉर्मल पर्सन का भी, डेड पर्सन का भी, किसी कंपनी का, इंस्टीट्यूशन का, इन सभी का पनिशेबल बताया गया है आईपीसी में। जब वही डेफेमेशन इंटरनेट या कंप्यूटर को यूज करके हो रहा है तो वो साइबर डेफेमेशन हो जाएगा, और ये भी एक पनिशेबल ऑफेंस है। फिर आता है साइबर थ्रेटनिंग, डिनाइल ऑफ सर्विस। इसमें क्या होता है, इफ अ पर्सन इज अनेबल टू यूज सर्विसेज ब्रॉट बाय हिम, जो कि उसी ने खरीदी है, ड्यू टू ऑनलाइन क्रिमिनल इंटरवेंशन। अब देखिए यहाँ पर क्रिमिनल इंटरवेंशन है मतलब कि कोई भी पर्सन जो उसे यूज नहीं करने दे रहा है उसका इंटेंशन और नॉलेज यहाँ पर इंक्लूडेड है, देन इट इज नोन एज डिनाइल ऑफ सर्विस, क्योंकि उसने खुद के काम के लिए वो चीज खरीदी थी और फिर वो काम नहीं कर पा रहा है। देन आपका आता है पायरेसी। पायरेसी मीन्स कमर्शियल यूज ऑफ ओरिजिनल क्रिएशन ऑफ अ क्रिएटर विदाउट हिज हर परमिशन। अगर आप जानते हैं कॉपीराइट, जो कि हम आईपीआर में आज ही डील करने वाले हैं, उस कॉपीराइट से ही रिलेटेड कुछ कुछ सिमिलर है पायरेसी। यहाँ पर क्रिएट किसी और ने किया है, सिर्फ उसी का राइट है उस क्रिएशन के ऊपर, बट मैं अगर उसके क्रिएशन को बिना उसकी परमिशन के यूज कर रही हूँ तो वो आपका आता है पायरेसी में। अब हम देखेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। हमने कुछ साइबर क्राइम देखे, हमने देख लिया किस किस तरह के क्राइम होते हैं, या साइबर क्राइम को कौन सी एम्बिट में हम कौन सा वाला क्राइम कह सकते हैं। अब हम देखेंगे कि अगर किसी ने कमिट कर दिया तो हमें जो रेमेडीज है, जो रिलीफ है, वो कैसे मिलेगा, वो इस एक्ट के अंडर मिलेगा। तो सबसे पहले तो इंडिया में जो साइबर क्राइम है वो बहुत लेट लोगों को समझ में आया, जब हमने बहुत सारे केसेस देखे तब पार्लियामेंट के इस चीज पर ध्यान दिया, बहुत सारे जजेस ने, बड़े बड़े एडवोकेट्स ने पीआईएल फाइल करी थी, तब हमें समझ आया कि अच्छा ठीक है, टेक्नोलॉजी पे भी बहुत कुछ हो रहा है, अब हमें एक ऐसा लॉ बनाने की सख्त जरूरत है, तब इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट को लाया गया। 2000 में सबसे पहली बार हमने इंडिया में साइबर क्राइम को डिफाइन किया गया था, और इसके बाद में ही बहुत सारे एक्ट में अमेंडमेंट करके इस टर्म को ऐड किया गया है कि जो क्राइम है वो साइबर क्राइम भी हो सकता है, या फिर अगर कहीं पर डॉक्यूमेंट है तो वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के थ्रू भी हो सकता है, बट इसकी जो स्टार्टिंग थी वो आईटी एक्ट 2000 से ही हुई है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, देखिए, लीगल रिकॉग्निशन टू लीगल डॉक्यूमेंट।
टू लीगली रिकॉग्नाइज डिजिटल सिग्नेचर। अब जब एक्ट आया था तब ये सिर्फ डिजिटल सिग्नेचर था, बट हम जानते हैं कि जो टेक्नोलॉजी है वो डे बाई डे सिर्फ मर्ज ही हो रही है, तो इसीलिए इसको 2009 में फिर से अमेंडमेंट करके इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर बना दिया गया है। अब जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है उसका एम्बिट कहीं ना कहीं डिजिटल सिग्नेचर से बड़ा है। फिर है टू लीगली रिकॉग्नाइज इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन, उसके बाद में है लीगली रिकॉग्नाइज डॉक्यूमेंट एज एविडेंस, देन है मेक रूल्स रिलेटेड टू इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जब हमने एक्ट बना दिया है तो उसका रूल्स बनाना भी इंपॉर्टेंट है, सो दैट हमें पता लगे कि इस एक्ट को एक्चुअली यूज करते कैसे हैं या फिर इसमें एप्लीकेशन कैसे लगाते हैं। फिर है साइबर क्राइम को डिफाइन किया है और कुछ पनिशमेंट्स बताई हैं, वो अभी हम देखने वाले हैं। फिर है इसी एक्ट का स्कोप, सबसे पहला तो ये होल ऑफ इंडिया पे एप्लीकेबल है और ये इसका जो है मेजर, जिसे हम कहते हैं मेजर इंपॉर्टेंट इस एक्ट की, वो यही है। देखिए मैंने अभी आपको ज्यूरिसडिक्शन वाला कॉन्सेप्ट बताया था कि ज्यूरिसडिक्शन के बिना क्रिमिनल को पकड़ना मुश्किल हो जाता है, तो वो चीज इस एक्ट में हटा दी गई। इसमें सिंपल सी चीज डाली गई है, वो है इंडिया। तीन चीजें होती हैं, देखिए ऑफेंस करने वाला, जिसके साथ ऑफेंस हो रहा है, और जगह प्लेस ऑफ ऑफेंस। तो अगर इन तीनों में से कोई भी एक जगह इंडिया है तो फिर ये जो आपका ऑफेंस है वो आईटी एक्ट के अंदर गवर्न हो जाएगा, और जो इंडिया है वो उस पर्सन को पकड़ने के लिए पूरी मेहनत करेगी। फॉर एग्जांपल, या तो करने वाला पर्सन जो कि ऑफेंस कर रहा है वो इंडियन है, या फिर जो विक्टिम है जिसके साथ ऑफेंस हो रहा है वो इंडियन है, या फिर कोई भी कंप्यूटर रिसोर्स या सिस्टम जिसको कि अटैक किया गया है वो इंडिया में लोकेटेड है, या फिर वो इंडिया के किसी ऑफिस या डिपार्टमेंट में रखा हुआ है, दैट इज की इंडिया के टेरिटरी में है, तो फिर आईटी एक्ट के ज्यूरिसडिक्शन में आ जाता है। इसी में फर्स्ट टाइम साइबर क्राइम को डिफाइन किया गया था, ये हम देख चुके हैं। इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें बताई गई हैं, जैसे कि स्टीलिंग इलेक्ट्रॉनिक इन्फॉर्मेशन। अभी तक हम देख रहे थे कि स्टीलिंग जो होती है वो किसी प्रॉपर्टी की हो सकती है, जैसे कि कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी, कोई रैकेट उठा लिया, कोई पेन उठा लिया, कोई चेयर उठा लिया, ऐसा जो भी हमने स्टीलिंग देखी है आईसीसी में वो हमने इस तरह से नहीं देखी है, तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम इस चीज को ऐड किया गया। उसके बाद में डिजिटल सिग्नेचर का मिसयूज, क्योंकि हम देखते हैं जो आजकल चेक है उन पर भी हम डिजिटल सिग्नेचर यूज करने वाले थे, बट ड्यू टू दीज थिंग्स काफी उसका मिसयूज हो रहा है। उसके बाद में स्टीलिंग इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, और लास्ट में आपका आता है परचेजिंग एंड स्टोलन इक्विपमेंट, क्योंकि वो स्टोलन है हमें पता है हमारी नॉलेज में है फिर भी हम उसे परचेज कर रहे हैं तो वो भी ऑफेंस हो जाता है। फिर हम देखेंगे साइबर टेररिज्म, ये भी एक तरीके का साइबर ऑफेंस ही है, टेररिज्म है उसमें कंप्यूटर इंटरनेट इंक्लूडेड है, उसी के थ्रू हो रहा है क्योंकि वो साइबर टेररिज्म हो जाता है, और ये जो है इट्स अ बिग थ्रेट टू यूनिटी इंटेग्रिटी एंड सोवरेनिटी ऑफ इंडिया। जो टेररिज्म है वो अपने आप में ही थ्रेट है, और फिर साइबर टेररिज्म तो इसका कोई ज्यूरिसडिक्शन ही डिफाइन नहीं है, ये कितने भी लोगों को एक बार में अटैक कर सकता है और हमें नहीं पता कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, इसीलिए ये बहुत बड़ा ऑफेंस माना जाता है। हम आगे देखेंगे इसमें इसकी जो पनिशमेंट है वो भी सारे ऑफेंसेस से ज्यादा बताई गई है, क्योंकि ये अपने आप में हीनियस ऑफेंस है। अब देखिए ये आप वैसे एक बार खुद से देख लीजिएगा, मैं आपके लिए रीड आउट कर देती हूँ, जैसे कि सेक्शन 65 टेम्परिंग सोर्स डॉक्यूमेंट, ये हो गया आपका क्राइम, इस पर्टिकुलर सेक्शन में दे रखा है और यहाँ पर उसकी बता रखी है आपको पनिशमेंट, इसका जो फाइन रहेगा वो अप टू 2 लाख रहेगा और जो इंप्रिजनमेंट रहेगी वो अप टू 3 इयर्स रहेगी। ऐसे ही यहाँ पर सबका बता रखा है, ये देखिए साइबर टेररिज्म ये सबसे बड़ी पनिशमेंट है इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर। यहाँ पर हमारा खत्म होता है आईटी एक्ट और कुछ साइबर लॉ, पनिशमेंट आप खुद से देख लीजिएगा क्योंकि एट दी एंड वो आपको हल्की हल्की याद रहनी चाहिए, या फिर जो आपके ऑफेंसेस डिफाइंड हैं ये देखिए 66 में बहुत सारे ऑफेंसेस डिफाइंड हैं, इनको आपको क्लॉज वाइज देखना पड़ेगा, तो इनको आप एक बार खुद से देख लीजिएगा। अब हम आगे चलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पे। हमने सबसे पहले जो लेक्चर कवर किया था उसमें हमने देखा था कि प्रॉपर्टी दो तरह की होती है, एक होती है जैसे कि हम टच कर सकते हैं और दूसरी होती है जैसे कि हम टच नहीं कर सकते। तो हम जिसे टच नहीं कर सकते, जिसका कि कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, उसे ही हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में गवर्न करते हैं। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है जैसे कि पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन और भी बहुत सारे हैं जैसे कि हम देखेंगे। अब सबसे पहले तो देखिए कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है, कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो कि हमारे दिमाग में है। अब वो जब तक हमारे दिमाग में रहेगी उसका कोई एग्जिस्टेंस मायने नहीं रखता है, हम ना ही किसी को प्रूव कर सकते हैं ना ही हम उसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, बट द मोमेंट हमारी जो क्रिएशन है वो पेपर पे उतरती है, एज इन हमारा कोई आइडिया था हमने उसे लिख दिया, हमारा कोई आइडिया था हमने उसे कोई मशीन बना दी है, ऐसा अगर हमने कुछ भी किया जैसे कि माइंड से वो एग्जिस्टेंस में आ गई है, तो अब जो हमारे पास प्रोडक्ट निकल कर आया है उसे हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स या लॉज के अंदर में गवर्न करेंगे और हम उसे रजिस्टर करवाएंगे। और अगर वो चीज नई है, मतलब कि ऐसी यूनिक तरीका है या ऐसा यूनिक प्रोडक्ट है जो कि पहले किसी ने ना सोचा था ना बनाया था, तो फिर वो इसमें कवर हो जाएगा और हम उसे कमर्शियल पर्पस के लिए भी यूज करते हैं। अब देखिए जो आपके आईपीआर है वो नेगेटिव इन नेचर है। नेगेटिव क्यों? क्योंकि ये एक पर्सन को राइट देता है और बाकी सबको मना कर देता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो लिखे हुए हैं यही देख लीजिए, पेटेंट कॉपीराइट, मान लीजिए किसी एक पर्सन ने किसी इनोवेशन पर पेटेंट ले लिया है, मतलब कि अब जिसने पेटेंट लिया है सिर्फ उसी के पास राइट है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को यूज करने का, वो चाहे तो अपने कमर्शियल पर्पस के लिए किसी और को यूज करने को हाँ कह सकता है, पर उसके बदले में उसे कमर्शियल प्रॉफिट मिलेगा। तो इसीलिए ये नेगेटिव राइट है क्योंकि एक पर्सन को राइट देता है, और ये एक इंटरप्रिटेशन का प्रिंसिपल होता है कि अगर हमने किसी एक पर्सन को राइट दिए हैं तो वो इम्प्लाइड है कि बाकी सबके पास वो राइट नहीं है, क्योंकि तभी तो वो उस पर्सन के पास है। अब यहाँ पर कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसे हम आगे देखते हैं, ये देखिए ऑर्गेनाइजेशंस वर्किंग फॉर आईपीआर प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन, ये और भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है बट ये दो मेजर हैं। नंबर 1 इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, ये जो है आपके आईपीआर प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन के लिए काम करता है।
पूरे वर्ल्ड में। और नेक्स्ट आता है आपका वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, वीपो। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तक हमारे इंडिया में लॉज नहीं बने थे, हमारे इंडिया में बहुत लेट आए हैं आईपीआर को लेकर लॉज, तब तक हम इन्हीं जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, कन्वेंशन है, उन्हीं के थ्रू हम डील करते थे आईपीआर को। ये 1967 में आई थी और ये यूएन की एक ऑर्गेनाइजेशन है। अब देखिए, अगर इंडिया की हिस्ट्री पूछी जाए तो इंडिया की हिस्ट्री में ये एक चीज बहुत मैटर करती है, दैट इज ट्रिप्स, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। सबसे पहले इंडिया इन्हीं कन्वेंशन और इन्हीं के थ्रू डील करती थी आईपीआर को। तो अगर ऐसे में लिखना आ जाए तो इन दो के अलावा हम ट्रिप्स का भी नाम मेंशन करेंगे, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। अब हम वन बाय वन सारे आईपीआर देखेंगे। नंबर वन इज पेटेंट। पेटेंट हमेशा इन्वेंशन के लिए होता है और ये हमें पता है कि जो नॉवेल्टी फीचर है वो सारे ही आईपीआर में होना चाहिए। तो कोई भी ऐसी साइंटिफिक इन्वेंशन या इनोवेशन जो कि फर्स्ट टाइम हुई है या इतनी यूनिक है कि इसके बारे में पहले किसी ने सोचा ही नहीं था, या फिर दो तीन चीज़ों को मिक्स करके नहीं बनी है, इतनी नॉवल होनी चाहिए कि उसका जैसा हल्का सा भी किसी ने पहले ना सोचा हो, तो फिर वो आपके पेटेंट में गवर्न हो जाएगी। इसको हम पेटेंट एक्ट 1970 के अंदर मान देखते हैं। आप देखिएगा कि पेटेंट एक्ट जो 1970 है, इसमें एक अलग से बॉडी बनाई गई है जो कि चेक करती है कि ये जो पर्टिकुलर इनोवेशन है या इन्वेंशन है वो पेटेंट होने के लायक है या नहीं, या फिर अगर उसमें हम कुछ चेंजेस कर दें तो इसमें पेटेंट करवाया जा सकता है। और जो पेटेंट का रिन्यूअल होता है उसका भी सब कुछ इसी यही वाली जो बॉडी आपकी वो गवर्न करती है। तो ये सारी चीज़ें इस एक्ट में बताई गई हैं। दो टाइप के पेटेंट होते हैं मेजरली इंडिया में, अभी एक ही ज़्यादा चल रहा है, दैट इज़ प्रोडक्ट पेटेंट। प्रोसेस पेटेंट इंडिया में अभी इतना वायरल नहीं है, क्योंकि पहली बात तो इसके बारे में कोई जिक्र एक्ट में नहीं दिया गया है। जो प्रोसेस पेटेंट है वो हम इंटरनेशनल कन्वेंशन के थ्रू देख रहे हैं, और क्योंकि इसके बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है, ज़्यादा लॉज नहीं बने हुए हैं, इसलिए लोगों को इतना आइडिया नहीं है, बट ये बाहर बहुत चलता है। और इंडिया में जो पेटेंट है वो 20 ईयर्स के लिए ग्रांट किया जाता है, और जब इसका रिन्यूअल होगा आफ्टर 20 ईयर्स तो वो 5 ईयर के लिए रिन्यूअल होगा, और अगेन फिर जितनी भी बार से रिन्यूअल करवाना है वो 5-5 ईयर्स के लिए ही होगा। देन है एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट। कभी कभी क्या होता है कि कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी है या हमें लगता है कि बार बार हर बार 5 साल में हम रिन्यूअल करवाएंगे, इससे बेटर है कि हम किसी पर्टिकुलर इनोवेशन को इतना अच्छे से मॉडिफाई कर दें और उसका जो मॉडिफिकेशन है वो भी इतना यूनिक हो कि पहले कभी ना हुआ हो, मतलब कि जो मॉडिफिकेशन है उसमें भी नॉवेल्टी होनी चाहिए। तो ऐसे में जो पर्सन है वो ऑप्ट कर सकता है एवरग्रीनिंग ऑफ प्रोसेस को। इसमें क्या होता है, जो पेटेंट होल्डर है वो कुछ ऐसे माइनर या मेजर चेंजेस कर देता है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में या इन्वेंशन में, उससे कि फिर से वो पेटेंट लेने लायक हो जाता है, मतलब कि उसमें एक नोवेल्टी फीचर आ जाता है। इसे हम एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट बोलते हैं, और इसमें फिर से हमें 20 ईयर्स के लिए वो पेटेंट मिल जाता है, हमें बार बार चार बार रिन्यूअल नहीं करवाना पड़ेगा, हमें फिर से वो 20 ईयर्स के लिए मिल जाएगा। और अगर जो पेटेंट ऑफिसर है जो कि हमारे एक्ट में डिफाइंड है, उनको लगता है कि कोई नई इनोवेशन नहीं है या फिर कोई नोवेल्टी फीचर नहीं है, तो वो मना भी कर सकते हैं। फिर आपका आता है कॉपीराइट। अभी तक हमने देखा, जैसे कि हमने पेटेंट से डील किया, पेटेंट में क्या हुआ कि हमें वो चीज़ जाके रजिस्टर करवानी पड़ रही है पेटेंट ऑफिसर के पास, पर जो आपका कॉपीराइट है ये एक ऐसा क्रिएशन है जिसकी कि आपको रजिस्टर करवाने की जरूरत नहीं पड़ती है। उल्टा अगर आप चाहते हैं कि ये पब्लिक पर्पज के लिए यूज हो तो आपको इस पर वेवर करवाना पड़ता है, ये आपको ऑटोमेटिक राइट है। जैसे ही आपने कोई आइडिया, कोई लिटरेचर है या कोई पोएम है या कोई नॉवल ऐसा कुछ भी आपने लिखा है, तो वो जैसे ही आपने लिखा है तो वो आप ही के नाम से रजिस्टर माना जाएगा। और इसके जो टाइम पीरियड हम देखते हैं, ड्यूरेशन हम देखते हैं, वो क्रिएटर की लाइफ के लिए रहता है एंड आफ्टर लाइफ 60 ईयर्स, और ये ऑटोमेटिक है, ये हम देख चुके हैं। ये कॉपीराइट एक्ट 1957 से गवर्न होता है, और सबसे बड़ा एम्बिट अगर हम देखें सारे आईपीआर में तो वो कॉपीराइट का ही रहता है, क्योंकि इसमें लिटरेचर हो गया, वर्क, लिटरेचर वर्क, म्यूजिक, फिल्म, ये हम जितने भी फोटो के नेगेटिव देखते हैं वो भी इसी में इंक्लूडेड रहेगा। कोई सॉन्ग है और उनका जो सीडी ड्राइव में कलेक्टेड डेटा रहता है वो भी आपका कॉपीराइट में ही इंक्लूडेड रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो यही लिटरेचर म्यूजिक से ही डील कर रहा है। उसके बाद में कॉपीलेफ्ट, इसे हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज वेवर ऑफ कॉपीराइट। देखिए ये ऑटोमेटिक था, अगर कोई पर्सन चाह रहा है कि नहीं ये जो क्रिएशन है वो सबके लिए यूज आनी चाहिए, सिर्फ मुझे इसे कमर्शियल पर्पज के लिए यूज नहीं करना है, तो फिर वो कॉपीलेफ्ट फाइल करेगा और इसकी वजह से उस पर्टिकुलर क्रिएशन पे कॉपीराइट नहीं लगेगा और हर कोई इसे यूज कर सकता है। देन आता है ट्रेडिशनल नॉलेज लाइब्रेरी। सबसे पहले तो ट्रेडिशनल नॉलेज का मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ ताकि समझने में आसानी रहे। जैसा कि नीम, हमने देखा है कि नीम, हल्दी, इन सब में कुछ एंटीबायोटिक क्वालिटीज होती हैं जो कि जानते सब हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज में है, हमारे बुजुर्गों से हमें पता लगा है, ये पूरे इंडिया में सबको पता है, पर ये ना तो पेटेंट में कवर हो सकता है ना ही किसी और आईपीआर में, क्योंकि जो सारे आईपीआर हैं उनका एक पर्टिकुलर बॉक्स है, उस बॉक्स में वो चीज़ तभी फिट हो सकती है जबकि उसकी पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट फुलफिल हो। अब ट्रेडिशनल नॉलेज ना ही तो कोई नया इन्वेंशन है, ना ही कोई ऐसा लिटरेचर वर्क है या फिर कोई सिंबल वगैरह कुछ भी नहीं है, तो ये वहाँ पे फिट नहीं होता है। इसीलिए हमने इसके लिए एक अलग से ट्रेडिशनल नॉलेज लाइब्रेरी बनाई है, इसमें हमारी ऐसी सारी चीज़ें लिखी जाएंगी। अब इसको बनाने का पर्पज़ ये था कि हमने देखा इंडिया में ये सब चल रहा है, जब बाहर के लोग इंडिया में आए उन्होंने ये चीज़ें देखी, उन्होंने देखा कि ये चीज़ प्रोटेक्टेड नहीं है, तो उन्होंने बाहर जाके, क्योंकि वहाँ पर ऐसी कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर ये चीज़ प्रोटेक्ट हो सकती है, ट्रेडिशनल नॉलेज को प्रोटेक्ट करवाया जा सकता है, तो वहाँ पर उन्होंने हल्दी और नीम को प्रोटेक्ट करवाने की कोशिश की। जब वो चीज़ इंडिया में पता लगी तो इससे बहुत कॉन्ट्रोवर्सी हुई और लास्ट में वो चीज़ इंडिया के फेवर में प्रूव हो जाती है, क्योंकि ये नॉलेज तो इंडिया की ही थी। तो ऐसे में अब ये जो है ऐसी जितनी भी इन्फॉर्मेशन रहेंगी वो सारी इसी लाइब्रेरी में प्रोटेक्टेड रहेंगी, मतलब कि ये जो डेटाबेस में जितनी भी इन्फॉर्मेशन है इससे ना तो हम आईपीआर ले सकते हैं और ना ही कोई और आईपीआर ले सकता है, क्योंकि ये सबके नॉलेज में है।
देन आता है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क भी बहुत ज्यादा यूज होता है, जैसे कि आप ये देखिए यहाँ पर सिंबल है, ये जो नाम लिखा हुआ है अल्फा ऑफिसर्स अकेडमी, ये सब ट्रेडमार्क में कवर होएगा। एनी वर्ड, दिस इज नॉट वर्ड, दिस इज वर्ड, सिंबल, इमेज, लोगो, जो कि एक यूनिक आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है किसी भी प्रोडक्ट को या फिर जो बाकी मार्केट में प्रोडक्ट चल रहे हैं उनसे अलग बनाता है। अब देखिए जैसे कि अल्फा ऑफिसर्स अकेडमी है, ऐसा ही नाम किसी और चैनल का भी हो सकता है, बट क्योंकि हमारा सिंबल इसे अलग बना देगा, या फिर सिंबल कहीं कहीं सेम होगा, लोगो कहीं कहीं सेम होगा, तो नाम में थोड़ा सा डिफरेंस होगा। इसी तरह से जो हम यूनिक आइडेंटिटी प्रोवाइड करते हैं अपने किसी भी प्रोडक्ट को या ऑर्गेनाइजेशन को, वो ट्रेडमार्क के अंडर कवर होता है। इसके लिए हमारे पास एक एक्ट है, दैट इज ट्रेडमार्क एक्ट 1999। फिर आता है ट्रेड ड्रेस। आप देखिए थोड़ा नाम से ही समझिए, ट्रेड ड्रेस मतलब कि ड्रेस क्या होता है, आउटर शेप या पैकेजिंग। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, रीसेंट एग्जाम्पल ही है, कुछ लास्ट ईयर में ही हुआ है। जो कोको कोला है उन्होंने अपनी बॉटल का जो डिजाइन है उसे प्रोटेक्ट करवाया है ट्रेड ड्रेस के अंदर, मतलब कि जो उनका बॉटल का डिजाइन है वो भी अब कोई और यूज नहीं कर सकता उनके बिना परमिशन के। जैसा कि हम देखते हैं सस्ती कॉपी बहुत मिल रही है मार्केट में, तो अब कोई अगर कोको कोला की वो सस्ती वाली कॉपी भी बनाता है तो भी वो पनिशेबल रहेगा। अगर उन्होंने देख लिया तो वो चाहे तो वो जो पर्टिकुलर कंपनी है जो कि कॉपी बना रही है या फिर जो लोग उसे यूज कर रहे हैं उनको रोक सकती है, प्रोहिबिट कर सकती है। तो यही होता है ट्रेड ड्रेस, आउटर शेप एंड पैकेजिंग ऑफ अ प्रोडक्ट विच प्रोवाइड यूनिक आइडेंटिटी टू द प्रोडक्ट, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी एक आइडेंटिटी प्रोवाइड कर रहा है उस प्रोडक्ट को। ये भी ट्रेडमार्क का ही एक पार्ट है, इसीलिए ये ट्रेडमार्क एक्ट 1999 में ही गवर्न होता है। देन आता है ट्रेड डिजाइन। डिजाइन भी अपने आप में एक आईटीआर है। अगर आप इंटीरियर डिजाइनिंग और सिमिलर चीजें अगर आप देखते हैं, ये जितने भी आपके मैप्स वगैरह बनते हैं वो सब इसी में प्रोटेक्ट होते हैं, मतलब कि कोई भी स्पेशल शेप या फिर इंटीरियर डिजाइनिंग हो गया या फिर बाहर का शेप हो गया, ये सारी चीजें इसी में कवर रहेंगी। और इसके लिए हमारे पास एक एक्ट है, डिजाइन एक्ट 2000। देन है डिजाइन ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट। इसके बारे में जो ज्यादा साइंटिफिक फील्ड में इन्वॉल्व रहते हैं जो कि इंजीनियर्स वगैरह हैं उन्हें इसका ज्यादा नॉलेज रहता है। इसमें क्या होता है, हमारी जो आईसी है अगर आपने देखा हो तो आईसी से बहुत फर्क पड़ता है। फॉर एग्जांपल अगर किसी के पास लैपटॉप है तो उसमें रैम से बहुत फर्क पड़ता है, वैसे ही जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है उसमें आईसी का बहुत फर्क पड़ता है। तो जो आईसी बनती है उसको यहाँ पे प्रोटेक्ट किया जाता है, उसके लिए एक्ट बनाया गया है, सेमी कंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट डिजाइन एक्ट 2000। ये भी आपका 2000 का ही एक्ट है, ऑलमोस्ट उसी टाइम पे है सारे एक्ट, यही 1999-2000। इसमें इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट की एफिशिएंसी को डिपेंड करते हैं हम आईसी पे, ये मैंने आपको बता दिया है। देन आता है प्लांट वैरायटी। इफ अ रिसर्चर डेवलप्स अ न्यू प्लांट वैरायटी देन ही कैन ऑब्टेन मोनोपोली फॉर द कमर्शियल यूज ऑफ दिस प्लांट। ये इंडिया में 15 ईयर्स के लिए मिलता है और कौन से एक्ट के अंदर गवर्न होता है, प्लांट वैरायटी एंड प्रोटेक्शन ऑफ फार्मर राइट्स एक्ट 2001। इसका एक एग्जाम्पल है, जैसे कि इफ यू नो काफी अभी रिसेंट चर्चा में भी चाहिए जर्मनी में, क्योंकि हम जानते हैं ऑक्सीजन कम हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग बहुत बढ़ रहा है, तो वहाँ के कुछ साइंटिस्ट ने ऐसे छोटे छोटे से ट्रीज बनाए हैं, प्लांट्स नहीं ट्रीज बनाए हैं, क्योंकि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि वहाँ पर इतनी जगह नहीं है कि वो बड़े बड़े पेड़ लगा पाएं। तो छोटे छोटे से ट्रीज हैं जो कि सेम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, सेम अमाउंट ऑफ यू नो वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स वो लोग उसी छोटे से पेड़ पर उगा सकते हैं। तो ये जो नया इनोवेशन है ये आपका प्लांट वेराइटीज में कवर होता है। देन है जियोग्राफिकल इंडिकेटर। ये तो इंडिया में बहुत ही चल रहा है, इंडिया बहुत चीज़ों के लिए फेमस है। जीआई इज स्पेशल डेफिनेशन और आइडेंटिफिकेशन ग्रांटेड टू अ प्रोडक्ट ऑफ स्पेसिफिक जियोग्राफिकल लोकेशन। ये क्या होता है, कोई पर्टिकुलर एरिया है या कोई लोकेशन है, वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से या फिर वहाँ का जो एरिया है या फिर वहाँ की जो मिट्टी है या हम एटमोसफियर देख लें, उन सब की वजह से वो जो चीज़ है वो या तो फिर वहीं पर बन सकती है या उग सकती है। फॉर एग्जाम्पल दार्जिलिंग की टी, हम देखें कश्मीर में पश्मीना शॉल, या फिर जो डर और उलर लेक है वहाँ पर केसर उगाया जाता है। तो ये बनता तो पूरे इंडिया में हो सकता है, कुछ जगह पर बनता हो कुछ जगह पर नहीं बनता हो, बट जो क्वालिटी जो स्मेल जो टेस्ट वहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है वो कहीं और नहीं हो सकता बिकॉज ऑफ दी जियोग्राफिकल कंडीशंस ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेस। इसीलिए हम उस पर्टिकुलर जगह को उस नाम से भी जानते हैं। अगर हम राजस्थान की बात करें तो बीकानेरी भुजिया सबने सुना होगा। अब आप देखिए जब भी हम बीकानेर की बात करते हैं तो भुजिया कहीं ना कहीं आ ही जाता है हमारी कॉन्वर्सेशन में, या फिर हम भुजिया की बात करते हैं तो बीकानेर का नाम उस कॉन्वर्सेशन में आ जाता है। इसी को हम जीआई कहते हैं कि उस पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया को उस आईटीआर के नाम से जानना या फिर उस आईटीआर को उस पर्टिकुलर एरिया के नाम से जानना। इसके लिए भी जो एक्ट है वो 1999 में आया था और ये 10 ईयर्स के लिए मिलता है, और इसका फिर से रिन्यूअल करवाना हो तो 5 ईयर्स के लिए रिन्यूअल होता है। जितना भी आपका आईटीआर के रिन्यूअल है वो 5 ईयर्स में ही होता है। ग्रांट अलग अलग टाइम पीरियड के लिए हो रहा है, कोई 20 ईयर्स के लिए, कोई 10 ईयर्स के लिए, कोई 15 ईयर्स के लिए, बट रिन्यूअल सबका 5 ईयर्स में ही होता है। एंड इट इज बेस्ड ऑन क्लाइमेटिक कंडीशन एंड जियोग्राफिकल एरिया, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। यहाँ पर हमारे खत्म होते हैं आईटीआर लॉज जितने भी थे। अब हम देखेंगे कुछ विमेन एंड चिल्ड्रन रिलेटेड लॉज। ऐसे में हम 3 एक्ट कवर करने वाले हैं, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट और लास्ट में पॉक्सो। तो चलिए सबसे पहले हम करेंगे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। सबसे पहले तो ये 2005 में इसको प्रेसिडेंट का एसेंट मिला था और जो इन्फोर्समेंट है दैट इज 26 अक्टूबर 2006। जनरली हम देखें तो सेम ही ईयर में होता है बट इसका ईयर का डिफरेंस है। फिर है कि इसमें 5 चैप्टर्स हैं, 37 सेक्शंस हैं, ये रेंज बता रखी है जो कि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप बस एक बार देख सकते हैं। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट
यहाँ पर सेक्शंस बताए हुए हैं, जैसे कि पूरा एक्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, इसमें कुछ कुछ चीजें इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो सेक्शन टू में डेफिनेशन बताई हुई है। अब इसमें जो डोमेस्टिक वायलेंस की डेफिनेशन है वो तो इंपॉर्टेंट है ही, बाकी भी कुछ डेफिनेशन है, जैसे कि अग्रेसिव वुमेन हो गया, या डोमेस्टिक वायलेंस तो चलो है ही, या डोमेस्टिक वायलेंस किसके साथ हो रहा है, कैसे हो रहा है, जैसे कि हम देखेंगे शेयर्ड हाउस होल्ड, वो सब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। देन है 8 और 9 में प्रोटेक्शन ऑफिसर, फिर 10 में सर्विस प्रोवाइडर, 12 में एप्लीकेशन ऑफ मजिस्ट्रेट। इसमें मोटा मोटा जो आपका सारा प्रोसीजर है कि हम कैसे एप्लीकेशन फाइल करेंगे, कितने दिन में नोटिस जाएगा, कितने दिन में डिसाइड होगा, वो सारा सेक्शन 12 में कवर हो जाता है। और 17 से आपके सारे रेमेडीज और रिलीफ स्टार्ट होते हैं। 17 में सबसे पहले मिलता है राइट टू रिसाइड इन शेयर्ड हाउस होल्ड, मतलब कि जो अग्रीड वुमन है वो उसी सेम घर में रह सकती है, वो राइट 17 में मिलता है। देन आपके 22 तक, जो 17 से स्टार्ट हो रहे हैं रिलीफ, वो 22 तक चलते हैं। 18 में प्रोटेक्शन ऑर्डर है, 19 में रेसिडेंस ऑर्डर, 20 में मॉनिटरी रिलीफ, 21 में कस्टडी ऑर्डर। अब देखिए ऑलरेडी एक मॉनिटरी रिलीफ मिल चुका है, फिर यहाँ पे ये अलग से प्रोविजन क्यों डाला है कॉम्पेंसेशन ऑर्डर का? इसका बेसिक सिर्फ इतना ही है कि ये जो रिलीफ है ये तो ऑब्लिगेशन है, यहाँ तक तो कोर्ट को देना ही देना पड़ेगा। आप देखेंगे जो वर्ड यूज हुआ है वो शैल वर्ड यूज हुआ है, मतलब कि कोर्ट की ऑब्लिगेशन है। अब ये जो कॉम्पेंसेशन ऑर्डर है ये कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है। क्या होता है कभी कभी जो ऑफेंस है वो इतना हीनियस है, इतना इस तरह का हो जाता है कि जो अग्रीड वुमन है उसको एक्स्ट्रा कॉम्पेंसेशन की जरूरत पड़ती है। अब वो उसके चाइल्ड के लिए जरूरत पड़ सकती है, या उसकी किसी रिलेटिव जो कि डायरेक्टली हार्म हुआ हो, या फिर उसको खुद के लिए जरूरत पड़ सकती है, जैसे कि उसका करियर अपॉर्चुनिटीज बहुत लूज आउट हो गई है इस चक्कर में। तो वो डिपेंड करता है केस पर, और ये कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है, तो ये अलग से उसके लिए प्रोविजन बनाया गया है। देन आपकी अपील के भी प्रोविजन है, अगर आप जो मैजिस्ट्रेट है उसके ऑर्डर से सेटिस्फाइड नहीं है सेक्शन 12 में, और बाद में कुछ पेनल्टीज बताई गई हैं कि अगर रिस्पॉन्डेंट या प्रोटेक्शन ऑफिसर कुछ ऐसी गलती कर देते हैं जो कि नहीं होनी चाहिए थी, जिसकी वजह से अग्रीव वुमेन को हार्म हुआ है, तो उनके लिए पेनल्टी है। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन रहेंगी। सबसे पहले अग्रीव वुमेन, जो विक्टिम है उसको हम यहाँ पे अग्रीव वुमेन कहते हैं, जिसके के साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है। इट मीन्स अ वुमेन इन डोमेस्टिक रिलेशनशिप विद द रिस्पॉन्डेंट जिसने सबमिट किया है, एंड हु अलीज टू बीइंग सब्जेक्ट मैटर ऑफ वायलेंस बाय द रिस्पॉन्डेंट, मतलब कि जिसके साथ हुआ है डोमेस्टिक वायलेंस। अब ये देखिए मेल फीमेल और माइनर, इसका एम्बिट बाद में बढ़ाया गया था, ये सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ाया है। ऐसे केसेस हुए थे कि हम देख रहे थे कि जरूरी नहीं जो सिर्फ हस्बैंड है वो ही ऐसा कमिट कर रहा हो, मतलब कि जो रिस्पॉन्डेंट है वो हस्बैंड के अलावा भी लोग हो सकते हैं, जो कि हस्बैंड के रिलेटिव हो सकते हैं, या फिर कोई भी और जो कि उस घर में रह रहा हो वो हो सकता है। फिर आता है आपका डोमेस्टिक रिलेशनशिप, इट मीन्स मोर देन वन पर्सन रिसाइडिंग टुगेदर इन अ शेयर्ड हाउस होल्ड, मतलब कि शेयर्ड हाउस होल्ड एक ही जगह पर रह रहे हैं, और किसी भी तरह की रिलेशनशिप हो सकती है यहाँ पर, मैरिज, ब्लड, जॉइंट फैमिली, या फिर कोई और रिलेशन। इसमें आप देखिए लिव इन रिलेशनशिप भी इंक्लूडेड है, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे केसेस के बाद में इंक्लूड किया है। एडॉप्शन इंक्लूडेड है, ब्रदर सिस्टर, मतलब कि उस पर्टिकुलर फैमिली में जरूरी नहीं हस्बैंड, कोई भी पर्सन जो कि वहाँ पर रह रहा हो एज ए रिलेटिव भी रह रहा हो, तो वो भी डोमेस्टिक रिलेशनशिप में आएगा और वो भी पनिश हो सकता है। देन है जो मेन डेफिनेशन आपकी, दैट इज डोमेस्टिक वायलेंस, ये आपकी सेक्शन नंबर 3 में भी दे रखी है और सेक्शन नंबर 2 में भी दे रखी है, तो अगर ये आपको लिखने को आती है तो आपको दोनों साथ में लिखनी होंगी। ये आपकी 2G में दे रखी है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अब इसमें आप देखिए इसका भी एम्बिट अगेंस्ट बहुत बड़ा है। सबसे पहले तो फिजिकल अब्यूज, सेक्शुअल अब्यूज, इकोनॉमिकल अब्यूज, और लास्ट में आता है मेंटल या इमोशनल अब्यूज। फिजिकल में तो क्या हो गया, हम डायरेक्टली कुछ ऐसा कर दे रहे हैं जो कि समझ में आ रहा है, जैसे कि बॉडी पर मार दिया, या इंजरी हो गई जो दिखाई दे रही है, जैसे कि खून आ गया, या फिर पेन जो कि दिखता है कि ठीक है ये हो रहा है। सेक्शुअल अब्यूज, हम सेक्सुअल इंटेंट के साथ कुछ ऐसा कर रहे हैं, या फिर हम उसे फोर्स कर रहे हैं किसी सेक्सुअल रिलेशनशिप में आने के लिए विदाउट हर कंसेंट, क्योंकि अगर कंसेंट होगा तो फिर वो किसी भी ऑफेंस में नहीं आएगा, तो ये इंपॉर्टेंट है विदाउट कंसेंट। देन है इकोनॉमिकल अब्यूज, अब क्या होता है अगर आप सभी जानते ही होंगे स्त्रीधन हो गया, डाउरी हो गया, या वुमेन के नाम पे कुछ होते हैं एसेट्स होते हैं जो या तो उसकी फैमिली देती है या फिर वो वुमेन के खुद के होते हैं अगर वो वर्किंग वुमेन है, तो ऐसे में ये जो सारी चीजें हैं वो हम वुमेन को दे नहीं रहे, वी आर कीपिंग हर डिप्राइव्ड, कि आप इतना पर्टिकुलर जो रीजनेबल लाइवलीहुड के लिए चाहिए हम उसे उतना भी नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो भी इकोनॉमिकल अब्यूज में आएगा। लास्ट में आता है मेंटल और इमोशनल अब्यूज, इसे हम वर्बल अब्यूज भी कह देते हैं, जैसे कि ताने मारना, नॉट फॉर नॉट हैविंग मेल चाइल्ड, कि या तो बच्चा ही नहीं हुआ है, या फिर तुम्हें लड़का क्यों नहीं हो रहा है, बार बार लड़की क्यों हो रही है, या फिर कि तुम ज्यादा दहेज नहीं लेकर आई हो, ऐसे जो भी हम ताना मारना जैसे कहते हैं वो सारी इसी में इंक्लूडेड रहेगा। देन आता है प्रोटेक्शन ऑफिसर, अब जो आपका डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है इसमें दो अथॉरिटीज हैं, पहला है प्रोटेक्शन ऑफिसर और दूसरा है सर्विस प्रोवाइडर। ये दोनों लोग अग्रीव वुमेन के लिए काम करते हैं, और लास्ट में जब जो आपकी कंप्लेंट है वो मैजिस्ट्रेट के पास पहुंचती है, तो ऐसे में ये मैजिस्ट्रेट को हेल्प भी करते हैं, सो दैट जो अग्रीव वुमेन है उसको रिलीफ मिल सके। तो पहली अथॉरिटी आपकी है प्रोटेक्शन ऑफिसर, इसे स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, एक से ज्यादा भी कर सकती है डिपेंडिंग की जो डिस्ट्रिक्ट है वो कैसा है, और उसका जो ज्यूरिसडिक्शन रहेगा वो डिस्ट्रिक्ट में ही रहेगा। जो प्रोटेक्शन ऑफिसर है वो मैजिस्ट्रेट प्रोसेस करेगा, जो अग्रीड वुमन है वो डायरेक्टली प्रोटेक्शन ऑफिसर को कांटेक्ट कर सकती है अगर उसे नहीं पता कि कोर्ट कैसे जाते हैं। जो प्रोटेक्शन ऑफिसर है वो हेल्प करेगा वुमन की टू रजिस्टर दी कंप्लेंट, देखिए ही शेल हेल्प, मतलब कि इसके ऊपर ऑब्लिगेशन है, इसे कंपेल किया जा सकता है। ये वुमन को क्या क्या प्रोवाइड कर सकता है, शेल्टर प्रोवाइड करेगा, मेडिकल फैसिलिटीज, लीगल एड, अगर वुमन के पास इतना नहीं है कि वो खुद से कोर्ट फीस पे करके कोर्ट में जा सके तो ऐसे में उसे लीगल एड प्रोवाइड करवाई जाएगी। लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट करके हमारे पास कुछ प्रोविजंस हैं जो कि पार्लियामेंट ने बनाए हैं, फिर है उसको उसकी लीगल राइट्स के बारे में बताएंगे, दैट इज कि ऐसा नहीं कि हम
जो वुमेन है उसे मिसलेड कर दे कि नहीं तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम घर जाओ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसे बताया जाएगा कि आपको शेल्टर, मेडिकल फैसिलिटीज ये सब प्रोवाइड की जाएंगी। अगर आप चाहें तो केस भी फाइल कर सकते हैं, आप चाहें तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अगेंस्ट कंप्लेन फाइल करें या फिर आईसीसी में चले जाएं, और ये बनाएगा डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है और बेसिक रहती है। जो मैजिस्ट्रेट है वो DIR के ऊपर ही कॉग्निजेंस लेता है, क्योंकि डायरेक्टली जो मैजिस्ट्रेट है वो वुमन से नहीं मिलता है, वो इसी के बेसिस पर डिसाइड करता है कि ये जो वुमन है उसका केस सुनना चाहिए कि नहीं। तो इसी में सब कुछ लिखा रहता है कि कब हुआ, क्या हुआ, किसने किया, ऑल द थिंग्स। देन है सर्विस प्रोवाइडर, सेकंड अथॉरिटी। ये दो टाइप के हो सकते हैं। सबसे पहले तो कॉर्पोरेटिव सोसाइटी एक्ट में कोई NGOs रजिस्टर्ड है, या फिर कोई भी सर्विस प्रोवाइडर जो कि कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है। तो ये दो टाइप के सर्विस प्रोवाइडर हो सकते हैं। ये भी प्रोटेक्शन ऑफिसर की तरह ही ड्यूटीज करेंगे और जो अग्रीव वुमन है उसे हेल्प करेंगे। देन आता है प्रोसीजर ऑफ हियरिंग। इसका भी जो प्रोसेस है वो बहुत ही सिंपल रखा गया है, क्योंकि देर आर वुमेन जो कि चीज़ें समझते हैं, टेक्निकल जानती हैं, फॉर्मेलिटी समझती हैं, बट देर आर वुमेन जो नहीं भी समझती हैं, इसीलिए उसको सिंपल रखा गया है। जो वुमेन है वो खुद भी रजिस्टर कर सकती है, उसे नहीं आता तो वो किसी रिप्रेजेंटेटिव को बोल सकती है। अगर उसका ऐसा कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है जो उसकी हेल्प कर पाए, तो ऐसे में जो दो अथॉरिटीज हमने देखी PO और SP, दैट इज प्रोटेक्शन ऑफिसर और सर्विस प्रोवाइडर, वो उनके पास जा सकती है, वो उनकी हेल्प करेंगे। और ये आपका सेक्शन 5 में बताया गया है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का। वहाँ पे साफ साफ लिखा गया है दैट एनी पर्सन हु हैज नॉलेज अबाउट द वायलेंस कैन कंप्लेन टू द मैजिस्ट्रेट और टू द प्रोटेक्शन ऑफिसर और टू द सर्विस प्रोवाइडर। जैसे कि मान लीजिए कोई नेबर है आपका, आपको नहीं पता कि मेरे साथ गलत हो रहा है या मेरी इतनी हिम्मत नहीं है, बट उस नेबर को समझ में आ रहा है कि मेरे राइट हार्म हो रहे हैं, तो ऐसे में जो वो नेबर है वो भी जाके मेरे बिहाफ पे कंप्लेन कर सकता है। फिर है जो मैजिस्ट्रेट है, ये सारी चीज़ें आपकी सेक्शन नंबर 12 में दे रखी हैं। जो आपकी जो जितने भी अलग से एक्ट बनाए गए हैं उन सबका सोल पर्पज यही है कि जल्दी से जल्दी स्पीडी ट्रायल हो और स्पीडी रिलीफ मिले। तो इसीलिए जो मैजिस्ट्रेट है जैसे ही उसे कंप्लेन मिलती है वो फर्स्ट हियरिंग की डेट रखेगा 3 दिन। अब क्योंकि 3 दिन में हियरिंग है तो जो रिस्पॉन्डेंट है जिसे कि दूसरी पार्टी को प्रेजेंट होना है उसे नोटिस उससे कम दिन में ही जाना है तभी वो 3 दिन में आ सकता है। इसीलिए जो रिस्पॉन्डेंट है उसको नोटिस दिया जाएगा 2 डेज का। और ये जो पूरा आपका कंप्लेंट फाइल हुई है वो 60 डेज में कंप्लीटली डिस्पोज ऑफ हो जाएगी। अग्रीव वुमन को जो भी रिलीफ मिलना है वो मिल जाएगा। देन आता है कोर्ट में ऑर्डर टू कंसल्ट द एक्सपर्ट। हम एक्सपर्ट और काउंसलिंग दोनों के लिए बोल सकते हैं। ये प्रोविजन दिए गए हैं सेक्शन नंबर 14 और 15 में। यहाँ पर अगर कोर्ट को लगता है कि हालत इतनी खराब नहीं है या फिर ये चीजें सही हो सकती हैं और वुमेन चाहती है कि सही हो जाए, वुमेन की कंसेंट के बिना कुछ भी नहीं होगा, बट अगर वुमेन चाहती है कि सही हो जाए तो हम या तो एक्सपर्ट को बुला सकते हैं कि आपने समझाइए, या फिर हम जो दोनों हस्बैंड एंड वाइफ हैं या फिर जो फैमिली है उस पूरी फैमिली को काउंसलिंग के लिए भेज सकते हैं। और फिर कोर्ट डिसाइड करेगा आफ्टर बोथ ऑफ दीज थिंग्स और आइदर ऑफ दीज थिंग्स कि ये केस आगे बढ़ना चाहिए या फिर चीजें सॉर्ट आउट हो गई हैं। अब देखिए इसमें क्या क्या ऑर्डर्स हैं, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। प्रोटेक्शन ऑर्डर, रेसिडेंस ऑर्डर, मॉनेटरी रिलीफ, कस्टडी ऑर्डर, कॉम्पनसेशन ऑर्डर और लास्ट में पेनल्टी। ये कुछ पर्टिकुलर रेमेडीज हैं इस एक्ट के अंदर। अब हम वन बाय वन सारे ऑर्डर देखेंगे। सबसे पहले प्रोटेक्शन ऑर्डर, ये एक प्रोहिबिशन ऑर्डर है। इसमें रिस्पॉन्डेंट को मना किया जाता है कि तुम्हें ये चीज़ नहीं करनी है, और ये क्यों किया जा रहा है, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट दी अग्रीव वुमेन। तो देखिए नो एक्ट ऑफ वायलेंस शैल बी कमिटेड इन फ्यूचर। अगर मैजिस्ट्रेट को पता लग गया कि कुछ हुआ है तो वो मना कर देगा कि फ्यूचर में नहीं होना चाहिए, वो चाहे तो वो अग्रीव वुमन जो है उसे कम्युनिकेट करने को मना कर देगा, या फिर अगर वुमन कहीं पर काम करती है या कहीं पर पढ़ती है तो ऐसे में उस जगह को विजिट करने के लिए भी मना किया जा सकता है। जो वुमन के एसेट्स हैं, बैंक अकाउंट है, लॉकर है या डाउरी या कुछ भी ऐसा क्योंकि उसका है, वुमन का है, उसको मना कर सकता है कोर्ट कि आप इसको डिस्पोज ऑफ नहीं करेंगे या फिर आप इसे यूज भी नहीं करेंगे। और लास्ट में जो वुमन है सिर्फ उसको नहीं, उसके रिलेटिव्स तक को प्रोटेक्ट किया गया है कि आप किसी को भी थ्रेटन नहीं करेंगे। फिर आता है सेक्शन नंबर 19 में रेसिडेंस ऑर्डर। अब देखिए नाम से ही समझ में आ रहा है कि रेसिडेंस ऑर्डर है, तो ऐसे में जो वुमन है उसको ये राइट मिलता है कि चाहे उस वुमन का उस घर में कोई राइट डायरेक्टली बनता हो या नहीं, बट अगर वो पहले वहां पर रह रही थी और उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है तो वो अब भी वहां रह सकती है, उसको डिप्राइव नहीं किया जा सकता उसके शेल्टर से। अक्यूज्ड और हिज फैमिली में भी प्रोहिबिटेड फ्रॉम विजिटिंग दैट पार्ट। अब क्या होता है कि कभी कभी हम देखते हैं कि रेसिडेंस ऑर्डर ग्रांट हो गया है, वुमन वहां पर रह रही है, पर उसके बाद भी जो रिस्पॉन्डेंट और उसकी फैमिली है वो उसे परेशान कर रहे हैं, तो ऐसे में जो रिस्पॉन्डेंट है उसको मना कर देंगे कि आप उस एरिया में नहीं जाएंगे। और अगर वो बहुत ज्यादा ही हो रहा है तो ऐसे में वो घर खाली भी करवा सकते हैं, कोर्ट बोल देगा कि यहाँ पे तो सिर्फ अग्रीव वुमन रहेगी, आप जाके कहीं और रहिए। कभी कभी क्या होता है अग्रीव वुमन खुद कहती है कि मुझे अलग रहना है, तो ऐसे में जो कोर्ट है वो उसे कह देगा अग्रीव वुमन को कि आप ठीक है अलग से रहिए और आपका जो भी रेंट रहेगा या फिर जो भी आपके घर के खर्चे रहेंगे वो सारा रेस्पॉन्डेंट आपको प्रोवाइड करेगा। पर इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये नॉर्मल रीजनेबल स्टैंडर्ड्स में प्रोवाइड किया जाएगा, कोई लग्जरी प्रोवाइड नहीं की जाएंगी, रीजनेबल बेसिक जो कि लाइवलीहुड मैनेज करने के लिए चाहिए होता है वो दिया जाएगा। देन है मॉनिटरी रिलीफ, कुछ पैसे दिए जाएंगे अगर ऐसी जरूरत है तो, जैसे कि रेंट देने के लिए या कोई ट्रीटमेंट एक्सपेंसेस हैं, या फिर अगर कोई वुमन और उसके चाइल्ड में कोई भी और एक्सपेंसेस लग रहे हैं वो किसी भी तरह से हो सकते हैं, अगर वो रीजनेबल है और कोर्ट अलाउ करती है तो वो रिस्पॉन्डेंट के द्वारा दिए जाएंगे। देन है कस्टडी ऑर्डर। अब कस्टडी क्या होता है ना, अगर कोई बच्चा माइनर है तो हमेशा ये चीज़ मानी जाती है हर लॉ के द्वारा और कोर्ट के द्वारा कि अगर कोई बच्चा माइनर है तो उसकी जो फर्स्ट कस्टडी रहेगी वो उसकी मदर के पास रहेगी। तो ऐसे में ऑन रिक्वेस्ट ऑफ वुमेन अगर उन्हें लगता है कि जो कस्टडी है वो वापस उन्हीं को मिल जानी चाहिए या फिर जबरदस्ती रिस्पॉन्डेंट ने रखा हुआ है, तो ऐसे में मैजिस्ट्रेट ऑर्डर पास करेगा और कस्टडी ऑफ चाइल्ड वुमन को दे दी जाएगी। और अगर
वुमेन ऐसा बोलती है या फिर कोर्ट को ऐसा लगता है कि बार बार अगर रिस्पॉन्डेंट और चिल्ड्रन आपस में कनेक्शन में रहेंगे या फिर बार बार मिलते रहेंगे तो इसे मेंटल कंडीशन हार्म हो रही है उस बच्चे की, तो यहाँ पर कोर्ट मना कर देगा, प्रोहिबिशन लगा देगा कि जो रिस्पॉन्डेंट है वो बच्चे से नहीं मिल सकता है। फिर लास्ट में आता है कॉम्पनसेशन ऑर्डर, अ कोर्ट मे ग्रांट, देखिए ये डिस्क्रिशन है, अगर जरूरत पड़ेगी तो ग्रांट किया जा सकता है डिपेंडिंग ऑन द केस टू द वुमेन फॉर फाइनेंशियल लॉस, लॉस ऑफ इनकम और मेडिकल या इमोशनल अब्यूज, देखा जाएगा कि कितनी जरूरत है, सच में मिलना भी चाहिए या नहीं। फिर आता है पेनल्टी, अब देखिए इसकी पेनल्टी याद करना सबसे आसान है क्योंकि दो पेनल्टीज दी गई हैं, एक रिस्पॉन्डेंट की है और एक प्रोटेक्शन ऑफिसर की है। सेक्शन 31 टॉक्स अबाउट रिस्पॉन्डेंट एंड सेक्शन 33 टॉक्स अबाउट प्रोटेक्शन ऑफिसर। अगर इन दोनों ने, रिस्पॉन्डेंट ने तो वो काम नहीं किया जो कि मैजिस्ट्रेट उसे कह रहा है और प्रोटेक्शन ऑफिसर ने मान लीजिए अभी वुमन की ही हेल्प नहीं की या फिर मैजिस्ट्रेट को असिस्ट नहीं किया, तो दोनों को सेम पेनल्टी मिलेगी और वो पेनल्टी है 20,000 रुपीज या फिर 1 साल तक का इंप्रिजनमेंट, और दोनों भी मिल सकते हैं। यहाँ पर हमारा खत्म होता है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। नेक्स्ट एक्ट जो कि हम वुमेन के रिगार्डिंग डील करने वाले हैं वो रहेगा सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट, वर्कप्लेस एक्ट। अब देखिए इस एक्ट की एक बहुत इंटरेस्टिंग हिस्ट्री रही है, इफ यू नो विशाखा गाइडलाइंस और भवरी देवी की एक स्टोरी है, मैं आपको बहुत ही ब्रीफ में बताऊंगी ताकि ये एक्ट समझना आपके लिए ईजी हो जाए। भवरी देवी एक शिवाज लेडी एक एनजीओ में काम करती थी, ये चाइल्ड मैरिज को रुकवाने के लिए एक जगह पर गई थी, तो इन्होंने जो चाइल्ड मैरिज रुकवाई थी इसके रिवेंज में जो कुछ लोग थे वहां पर आफ्टर जो चाइल्ड मैरिज से रुकवा दिया गया था, उसके बाद में वहाँ पे जो कुछ लोग थे उन्होंने रिवेंज लेने के लिए भवरी देवी का गैंग रेप कर दिया था। तो ऐसे में बहुत सारी पीआईएल फाइल हुई थी और विशाखा नाम की एक एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल की थी कि ये चीज़ गलत है, हम लोग हमारा काम करने के लिए वहाँ पर गए थे और हमारे साथ पर्सनल रिवेंज लिया जा रहा है, मतलब कि काम अलग होता है पर्सनल लाइफ अलग होती है, और इसकी वजह से भवरी देवी की पूरी लाइफ तबाह हो गई थी। सभी को पता है कि ऐसे केसेस में जनरली हो जाता है, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ पर कॉग्निजेंस लिया और चूंकि उस टाइम पे ऐसा कोई लॉ नहीं था जो कि सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस पर्टिकुलरली गवर्न करता हो, तो ऐसे में अराउंड 30 गाइडलाइंस दी थी विशाखा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में। अब ये गाइडलाइंस बन तो गई थी बट इनका प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रहा था, तो 2012 में फिर से केस आया था, दैट इज मेघा कोटवाल लेले वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ऐसे में क्योंकि ये केसेस तो होते ही जा रहे थे पर प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन नहीं था, तो उस केस पर फिर से ये चीज़ चर्चा में आई और वो चीज़ पार्लियामेंट की नज़र में आई और तब जाके पार्लियामेंट ने 2013 में ये एक्ट बनाया, सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट। इसमें सारी चीज़ें कवर की गई हैं कि अगर कोई छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है या कहीं पे भी अगर वो वर्क प्लेस में छोटा मोटा भी कवर हो रहा है तो भी वहाँ पर सेक्सुअल हैरेसमेंट नहीं हो सकता, उसके लिए ये एक्ट बनाया गया है और इसका प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन जरूरी है, और आफ्टर 2013 इसका बहुत ही स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन हो भी रहा है। तो देखिए ये मैंने पूरा आपको समझाई दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने इसे इंट्रोड्यूस किया था फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, ये इसका रेंज है जैसे कि आप देख सकते हैं, बट मैं आपको यहाँ सेक्शन से ही कुछ चीज़ें बताती हूँ सो दैट आपको आगे समझना ईजी रहे। ये इसमें दो कमिटीज हैं, आईसीसी और एलसीसी। जो आपकी आईसीसी रहेगी ये रहेगी इंटरनल कंप्लेंट कमेटी, दैट इज कि अगर कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है, हर ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे कि एटलीस्ट 10 लोग काम करने वाले हैं वहाँ हर जगह इंटरनल कंप्लेंट कमेटी होगी ही होगी। अब उसमें कौन कौन होता है वो हम आगे देखेंगे बट ये जरूरी है, मैंडेटरी है। अब होता है कि कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे कि 10 से कम लोग काम कर रहे हैं, जैसे कि 8, 9, 7 या 4, 5 बहुत छोटे छोटे स्टार्टअप्स भी होते हैं, तो अब इतने लोग ही नहीं है कि वो किसी कमेटी को अपॉइंट करें, या फिर अगर करेंगे तो भी मिला के वही 4-5 लोग वही सारे कमेटी में आ जाएंगे, तो ऐसे में जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है वो एक नोडल ऑफिसर को अपॉइंट करता है और इसका अलग प्रोसेस जो कि हम आगे देखेंगे, बट इन दोनों का मतलब आपको समझ आना चाहिए। आप देखिए जो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी है ये एक ऑर्गेनाइजेशन की है, इंस्टीट्यूशन की है, तो यहाँ पर जो आपका एम्प्लॉयर रहेगा वो ही सब कुछ मैनेज करेगा, और ये जो लोकल कंप्लेंट कमेटी है ये क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों की है तो ये पूरे डिस्ट्रिक्ट की एक ही साथ में कवर की जाएंगी, तो इनके लिए एक डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर होता है। तो ये था आपका बेसिक। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, अगेन आप ये देख लीजिए डेफिनेशन, अगर सेक्सुअल हैरेसमेंट की डेफिनेशन आती है तो ये दोनों मिला के लिखना है, आईसीसी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर एलसीसी, ये आपको बेसिक पता है एक बार ही देख लीजिएगा। अब ये देखिए सेक्शन नंबर 10 कंसीलिएशन, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर वुमेन चाहे, यहाँ पे भी हमने अग्रीव वुमेन कहा है विक्टिम को, अगर वो चाहे तो कंसीलिएशन को ऑप्ट कर सकती है, बट अगर कंसीलिएशन हो गया तो पहली बात तो ये कभी भी मॉनेटरी टर्म्स पे नहीं होगा, वरना तो इस प्रोविजन का बहुत मिसयूज होने लगेगा, और सेकंडली अगर कंसीलिएशन हो गया है तो उसके बाद में फिर वो फाइनल बाइंडिंग माना जाएगा, ऐसा नहीं कि बार बार हम कंसीलिएशन ही कर पाते रहें। देन ये सारे सिंपल प्रोविजन है, अपील का भी प्रोविजन दे रखा है, ये हम देख चुके हैं सेक्शन 19 और 20, एम्प्लॉयर और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर की ड्यूटीज ये आपकी रहेंगी आईसीसी में और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर आपका रहेगा एलसीसी में। लास्ट में पेनल्टीज दी गई हैं कि अगर कोई बात नहीं मान रहा है बार बार तो फिर क्या होगा। अब आपकी आती है सेक्शन 2 के कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, सबसे पहले है अग्रीव वुमेन, इट मींस वुमेन सब्जेक्टेड टू सेक्सुअल हैरेसमेंट, मतलब कि जिसके साथ हुआ है, जो कि विक्टिम है। अब जो अग्रीव वुमेन है वो दो तरह से हो सकती है, एक तो हो सकता है वर्क प्लेस में और एक हो सकता है ड्वेलिंग हाउस में। वर्क प्लेस में तो क्या होता है, दो तरह की होती है वहाँ पे भी, मतलब कि वर्क प्लेस में भी दो तरह की वुमेन होती है, एक तो जो कि वहाँ पे रेगुलरली एम्प्लॉयड है जो कि डेली ऑफिस आ रही है काम कर रही है, और दूसरी जो कि कभी कभी कहीं जा रही है, जैसे कि भवरी देवी गई थी फॉर एग्जांपल, मैं इस पर्टिकुलर ऑफिस में काम कर रही हूँ बट कभी कभी मुझे दूसरे ऑफिस जाना पड़ता है विजिट करने के लिए, तो मैं वहाँ जो थोड़ी सी देर के लिए गई हूँ ना तो वहाँ पे मेरे साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हो सकता है ना यहाँ पे हो सकता है, तो ऐसे में वर्क प्लेस में दोनों चीज़ें कवर्ड रहेंगी। अब देखिए ड्वेलिंग हाउस, ड्वेलिंग हाउस में हमेशा
कोई जो पर्सन एम्प्लॉयड है उसके साथ ही हो सकता है, क्योंकि अगर कोई पर्सन जो कि फैमिली मेंबर है, अगर फैमिली मेंबर के साथ हो रहा है तो वो डोमेस्टिक वायलेंस में कवर होगा, पर अगर ड्वेलिंग हाउस में कोई एम्प्लॉयड है, जैसे कि डोमेस्टिक मेड्स होगी जो कि एम्प्लॉयड होती हैं, अगर उनके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रहा है तो वो पॉश एक्ट में गवर्न होगा। देन है वर्क प्लेस। अब ये इस एक्ट की बहुत अच्छी बात है कि वर्क प्लेस में इन्होंने सब कुछ इंक्लूड किया है, जैसे कि मैंने अभी भवरी देवी वाला एग्जांपल बताया, उसी को ध्यान में रखते हुए ये डिजाइन किया गया है। इसमें सब कुछ इंक्लूडेड होगा, आप जहाँ पर काम करते हैं, आप जहाँ पर थोड़ी सी देर के लिए गए हैं, इसमें वर्क प्लेस में भी प्राइवेट और पब्लिक, ये जो डोमेस्टिक वाला ड्वेलिंग हाउस देख लीजिए, स्पोर्ट्स में जिम स्टेडियम, मेडिकल के लिए हॉस्पिटल, कोई भी जगह, सारी चीजें इसमें कवर होंगी। देन है एम्प्लॉय। अब देखिए एम्प्लॉय में भी वाइड डेफिनेशन रखी गई है, हर तरह का एम्प्लॉय जो कि रेगुलर है, पार्ट टाइम है, प्रोबेशनल बेसिस पे, ये जो अपन इंटर्नशिप वगैरह करते हैं, ट्रेनिंग, डेली वेजेस और कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय। अब इसमें जो एक चीज ध्यान रखने वाली है वो ये है कि जरूरी नहीं एम्प्लॉयर को पता ही हो कि मेरे कितने एम्प्लॉयज हैं। अगर एम्प्लॉयर को आइडिया नहीं है फिर भी उसके साथ पॉश एक्ट कुछ हो रहा है तो भी उसे पॉश एक्ट में रिलीफ मिलता है। फॉर एग्जाम्पल रतन टाटा की कंपनी है TCS, उनका अभी रिसेंट में ही केस आया था 2023 में, वहाँ के किसी एम्प्लॉय के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है, तो ये डिफेंस लिया गया था जिस मैनेजर ने उन्हें हायर किया था कि जो एम्प्लॉयर है उन्हें तो पता ही नहीं कि यहाँ पर काम कर रही है, दैट इज रतन टाटा को तो पता ही नहीं है। अब आप खुद सोचिए क्या ये फीजिबल है कि हर एम्प्लॉयर को हर एम्प्लॉय के बारे में पता हो? तो ये चीज़ बिल्कुल जरूरी नहीं है। आप किसी भी टाइप के एम्प्लॉय हो सकते हैं, अगर आपके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट इन द कोर्स ऑफ योर ड्यूटीज हुआ है तो वो पॉश एक्ट में गवर्न होगा। देन एम्प्लॉयर जिसने कि आपको हायर किया हो और जो कि वहाँ के मैनेज कर रहा हो वर्क प्लेस को, अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है तो वहाँ का HOD, प्राइवेट ऑफिस है तो जो इंचार्ज या जो मैनेजर है, डायरेक्टर है, डोमेस्टिक मेड है वही ड्वेलिंग हाउस में, तो जिस पर्सन ने उसे एम्प्लॉय किया है वही एम्प्लॉय रहेगा। अब आता है प्रॉपर सेक्सुअल हैरेसमेंट की डेफिनेशन, ये अगेन आपको 2+3 दोनों मिलाकर लिखनी है अगर पूछा जाता है तो। इसमें फिजिकल कॉन्टैक्ट और एडवांसेस, डिमांडिंग सेक्सुअल फेवर्स, सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स, शोइंग पोर्नोग्राफिक मटीरियल और वर्बल और जेस्चर बिहेवियर ऑफ सेक्सुअल नेचर, ये सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड रहेंगी, बट जरूरी नहीं है, ये लिस्ट एग्जॉस्टिव नहीं है। इसके अलावा भी कुछ ऐसा लगता है कोर्ट को जो सेक्सुअल हैरेसमेंट की कैटेगरी में कवर हो सकता है तो वो भी यहाँ पर गवर्न हो जाएगा। इसमें देखिए ये जो है ना पासिंग सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स, ये वाली चीज बहुत जनरली लोग कर जाते हैं, उन्हें पता नहीं होता है कि ऑफेंस है, बट ये एक्चुअली ऑफेंस है। जैसे हम किसी को ऑब्जेक्टिफाई करके बोलते हैं, अरे लड़कियां तो ऐसी ही होती हैं, लड़कियां तो ऐसे करती हैं, XYZ कुछ भी, तो वो सारी चीजें भी ऑफेंस हैं, तो आपको नहीं करना है कभी भी। अब आता है सेक्शन नंबर 3, ये जो आपका था सेक्शन नंबर 2 में बताया हुआ था, सेक्शन 2N में। अब आपकी सेक्शन 3 की डेफिनेशन हम कवर करने वाले हैं। यहाँ पर बताया गया है सबसे पहले कि किसी वुमेन के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट नहीं होगा, ये चीज उन्होंने प्रोहिबिशन लगाते हुए मना कर दिया। अब सेकंड में बताया गया है कि सेक्शन 2 के अलावा और किन किन चीजों में इंक्लूडेड रहता है। सबसे पहले तो मैं कोई फेवरेबल एक्शन के लिए कह रही हूँ कि अरे तुम ऐसा करो हम तुम्हें प्रमोशन दे देंगे, मतलब कि प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट स्टेटस में कोई फेवरेबल एक्शन। दूसरा अनफेवरेबल एक्शन, दैट इज हम आपको डिटेरियोरेट कर देंगे, हम आपको डिमोशन कर देंगे या हम आपको निकाल देंगे फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग। क्रिएटिंग हॉस्टाइल एटमोसफियर, मतलब कि उसे इतना परेशान कर देंगे कि वो वहाँ पे काम ही ना कर पाए, जो अग्रीड वुमेन है हमारी उसको। लास्ट में ह्यूमिलिएटिंग बिहेवियर कॉजिंग थ्रेट टू हर सेफ्टी, किसी भी टाइप का थ्रेट रह सकता है, या फिर वही ना ऐसा एटमोसफियर, हॉस्टाइल एटमोसफियर क्रिएट कर दिया जहाँ पर कोई भी पर्सन उसे शांति से बैठने ही नहीं दे रहा है, काम ही नहीं करने दे रहा है। देन आपका आता है सेक्शन 4 में ICC, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी। अब इसमें आपको पता है कि ये एम्प्लॉयर करेगा यहाँ पे सब कुछ मैनेज, ICC हमेशा रहेगा अगर 10 से ज्यादा लोग हैं वहाँ पर, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ, एम्प्लॉयर बनाएगा। इसमें जो प्रिसाइडिंग, एक डिफरेंस है ICC और LCC में, यहाँ पे प्रिसाइडिंग ऑफिसर रहता है और जो LCC है उसमें चेयरमैन रहता है। इसका जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर रहेगा वो हमेशा एक सीनियर वुमेन ऑफिसर ही रहेगी, और इसके अलावा 3 मेंबर्स और रहेंगे, मतलब कि पूरे ICC में टोटल लोग कितने रहेंगे, 4, नॉट लेस देन 4 मेंबर्स, एक जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर और 3 मेंबर्स अलग। अब उन 3 में से एक पर्सन NGO से होगा और जो बचे हुए 2 मेंबर्स हैं वो एम्प्लॉय में से माने जाएंगे, और हम ट्राई, जो सीनियर वुमेन ऑफिसर है ये तो हमेशा वुमेन रहेगी, और ये जो बचे हुए 3 मेंबर्स हैं ये हम ट्राई करेंगे एज फार एज पॉसिबल कि वो वुमेन हो, बट अगर नहीं भी है तो चलेगा, इसका वुमेन होना इंपॉर्टेंट है। फिर आता है लोकल कंप्लेंट कमेटी, जहाँ पर कि लेस देन 10 मेंबर्स हो। इसके साथ कुछ और भी कंडीशंस है, जैसे कि मान लीजिए या तो मेंबर्स कम हो या फिर जो आपका एम्प्लॉयर है, मतलब कि जिसे कि हमारी सेफ्टी करनी थी वही हमारे अगेंस्ट ये ऑफेंस कमिट कर रहा हो, तो ऐसे में भी हम किसके पास जाएंगे, क्योंकि अगर अब हम एम्प्लॉयर के पास जाएंगे तो हमारी सुनेगा ही नहीं क्योंकि वही तो ऑफेंस कमिट कर रहा है, तो ऐसे में भी लोकल कंप्लेंट कमेटी प्ले अ ग्रेट रोल। इसको हमेशा डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर बनाता है, ये होता DM रैंक का है बट हम इसे कहते DO हैं। इसमें एक चेयरपर्सन रहेगा, LCC में चेयरपर्सन होता है और साथ में 3 मेंबर्स और होते हैं, मिनिमम 3 मेंबर्स हैं, और जो टोटल मेंबर स्ट्रेंथ रहेगी वो रहेगी LCC की 5। फिर हाँ अब वुमेन जो चेयरपर्सन रहेगी वो अगेन वुमेन ही रहेगी, ये हम जानते हैं, तो दोनों में रहेगा ICC LCC, एक पर्सन आपका NGO से रहेगा, लोकली एम्प्लॉयड वुमेन भी हो सकती है एक मेंबर, और जो एक मेंबर है वो आपका मेजॉरिटी और माइनॉरिटी को बताएगा। SC ST माइनॉरिटी को रिप्रेजेंट करना अपने आप में मस्ट हो जाता है, क्योंकि कभी कभी हम देखते हैं कि कास्ट और रेस बेसिस पे भी जो वुमेन है उसे परेशान किया जा सकता है। अब है कि कब हम LCC के पास जाएंगे, इफ द एम्प्लॉयर हैवन कॉन्स्टिट्यूटेड ICC, कि एम्प्लॉयर है उसकी ड्यूटी है ICC बनाना, उसने बनाया ही नहीं है, तो अब हम कहाँ जाएं कंप्लेंट फाइल करने। दूसरा जो कंप्लेंट है वो एम्प्लॉयर के अगेंस्ट है, यही गलत कर रहा है। और तीसरा डोमेस्टिक मेड,
इसमें जरूरी नहीं डोमेस्टिक मेट्स, ऐसे अलग इंस्टीट्यूशन जो कि नए नए स्टार्टअप्स हैं जहाँ के टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ही 10 से कम है, तो वहाँ पे कोई कमेटी नहीं बना सकते हैं वो लोग, तो वो भी यहीं पर आएगा। फिर आता है आपकी कंप्लेंट। तो सबसे पहले देखिए जो कंप्लेंट है वो राइटिंग में रहेगी, अदरवाइज तो बाद में हॉस्टाइल हो सकती है अग्रीड वुमन अगर उसे किसी ने थ्रेटन कर दिया है तो। सबसे पहले आपके पास रहेगा 30 डेज का टाइम, पर अगर 30 डेज में वो नहीं कर पाती है ड्यू टू सम रीजन तो 90 डेज एट मैक्सिमम उसे रिपोर्ट करना होगा। अगर वो 90 डेज में भी रिपोर्ट नहीं कर पाई है तो फिर बाद में बिना किसी रीजनेबल कॉज के उसे नहीं सुना जाएगा क्योंकि वो बहुत लेट हो चुकी है, तो ऐसे में मिसयूज करने के ऑप्शन बढ़ जाते हैं। और जो कंप्लेंट है यहाँ पे सब कुछ डिस्क्लोज करना होगा ताकि हम किसी को डिफेम ना करें बिना, मतलब अक्यूज कौन था, कब हुआ, कैसे हुआ, सारी डिटेल्स उसे कंप्लेंट में लिख के बतानी पड़ेंगी। फिर आता है कंसीलिएशन, ये हमेशा ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ वुमेन ही हो सकता है। वुमेन की अगेन जस्ट लाइक डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, वुमेन की कंसेंट के बिना कुछ भी नहीं होगा, यहाँ पे मैजिस्ट्रेट भी कुछ नहीं कर सकता। इंक्वायरी से पहले हम कंसीलिएशन करते हैं क्योंकि अगर कंसीलिएशन हो जाता है तो फिर इंक्वायरी की जरूरत ही नहीं पड़ती है, पर ये कभी भी मॉनिटरी ग्राउंड पे नहीं होगा। और अगर कंसीलिएशन हो जाता है मतलब वो फाइनल है और उसकी रिपोर्ट डीएम एलसीसी में और एम्प्लॉयर को आईसीसी में भेज दी जाएगी। देन है इंक्वायरी इनटू कंप्लेंट। अब क्या होता है, हमने देखा कि सेक्शन 9 में कंप्लेंट फाइल कर दी है, हो सकता है इंक्वायरी की जगह उसे कंसीलिएशन ऑप्ट करना सही लगे, 10th में हो गया उसका कंसीलिएशन, अब हम देखेंगे कि नहीं अब तो उसे कंप्लेंट फाइल ही करनी है, मतलब नॉट आफ्टर कंसीलिएशन बट उसे लगी नहीं रहा कि कंसीलिएशन सही है, तो ऐसे में आता है सेक्शन नंबर 11। यहाँ पर क्या होगा, अगर कंसीलिएशन नहीं हो पाया उन दोनों के बीच में तो इंक्वायरी स्टार्ट हो जाती है जस्ट आफ्टर कंप्लेंट। यहाँ पर नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल फॉलो किए जाएंगे, दोनों को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मिलेगा, दोनों पार्टीज को सुना जाएगा, फिर ही कोई डिसीजन दिया जाएगा। जो कमेटी रहेगी आईसीसी एलसीसी, उन दोनों के पास सिविल कोर्ट की पावर है, नॉर्मली सारी सिविल कोर्ट की पावर रहती है एक्सेप्ट अरेस्ट, यहाँ पर अरेस्ट कोई भी नहीं कर सकता है। पॉश एक्ट में अरेस्ट करने की पावर नहीं दी गई है, क्यों नहीं दी गई है, सो दैट इसका मिसयूज ना हो। फिर आपकी जो कमेटी रहेगी वो 90 डेज में पूरा कंप्लीट करेगी, डिस्पोज ऑफ करेगी। हमने देखा कि जो कंप्लेंट फाइल करने का टाइम है वो 30 से एक्सटेंड करके 90 डेज था, तो दोनों का जो मैक्सिमम टाइम है वो 90 डेज है। और अगर इंक्वायरी हो गई तो उसका जो फाइनल रिपोर्ट रहेगी वो डीएम इन केस ऑफ एलसीसी और एम्प्लॉयर इन केस ऑफ आईसीसी को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब एक्शन ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ इंक्वायरी, अब हमने देखा कि इंक्वायरी का टाइम पीरियड 90 डेज है, बट ऐसे में अगर अग्रीड वुमन को कोई रिलीज चाहिए तो वो क्या कर सकती है, तो ऐसे में कमेटी ने कुछ चीजें बताई जो की जा सकती है। 90 डेज की लीव जो कि उसे एडिशनल मिलेगी, जो ऑलरेडी सैंक्शनड लीव है उसके एक्स्ट्रा में 90 डेज का लीव मिलेगा। जो वुमन है वो खुद का ट्रांसफर करवा सकती है किसी और जगह में, या फिर अक्यूज का करवा सकती है कि मुझे तो यहीं रहना है आप इसको भेज दो क्योंकि मेरी फैमिली यहीं रहती है, या फिर आप मुझे ही कहीं और भेज दो, दोनों ऑप्शन अवेलेबल है उसके पास। जो कमेटी है वो कॉम्पनसेशन भी दे सकती है वुमन को अगर उसको कुछ मेंटल या इमोशनल हैरेसमेंट हुआ है या फिर कुछ उसकी फिजिकल हेल्थ डिटेरियोरेट हुई है इस वजह से, तो डिपेंडिंग ऑन द केस ये कमेटी का डिस्क्रिप्शन रहता है टोटली। फिर है ड्यूटीज ऑफ द एम्प्लॉयर, अब हमने देखा कि जो एम्प्लॉयर है वो आईसीसी के केस में रहेगा, क्या क्या ड्यूटीज है, ये बहुत बेसिक ड्यूटीज है बट आप एक बार पढ़ लीजिए। सेफ और फ्रेंडली एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेगा टू दी वुमेन, अब ये देखिए बेसिक ड्यूटी है नॉट जस्ट टू दी वुमेन, टू दी एवरीबॉडी, बट वुमेन का थोड़ा सा फोकस है क्योंकि हम पॉश एक्ट को डील कर रहे हैं। नेक्स्ट हो गया आईसीसी बनाएगा, और सिर्फ दिखाने के लिए नहीं बनाना है वहाँ पे एक्शन भी लेना है, जैसे कि जस्टिस सिर्फ होना ही नहीं चाहिए दिखना भी चाहिए वैसे ही, तो वो आईसीसी में एक्शन भी लेना चाहिए। दूसरा देर आर वुमेन जिन्हें पता ही नहीं है कि उनके साथ ये सब हो रहा है, जैसे कि सेक्सुअली कलर रिमार्क्स वाला जो मैंने आपको एग्जांपल बताया, तो ऐसे में उनके लिए अवेयरनेस वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करे जाएंगे जिसमें कि ये बताया जाएगा कि ये सेक्सुअल हैरेसमेंट है, ये गलत है, आपके साथ हो रहा है तो फिर आप इसे रिपोर्ट करिए। फिर है कि अगर वो कोई और लीगल एक्शन लेना चाहती है तो भी उसे हेल्प की जाएगी, उसे प्रॉपर असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी, पॉसिबल सपोर्ट दिया जाएगा। फिर है डिस्प्ले अवेयरनेस मैसेजेस, आप देखेंगे कि बहुत सारी ऐसी ऑफिसेज हैं, मोस्टली ऑफिसेज आजकल, तो जहाँ पे कि कॉन्स्पिकुअस प्लेस पे चिपका दी जाती है बड़े बड़े पोस्टर पे कि यहाँ पर सेक्सुअल हैरेसमेंट करना मना है, या फिर आप कर रहे हैं तो ये आपको सजा मिल सकती है, इस तरह से पोस्टर्स लगाए गए हैं और ऐसी जगह पर जो कि सबको दिखता है, तो वो भी एम्प्लॉयर की ही ड्यूटी होती है। फिर आता है ड्यूटी ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर आपका रहेगा एलसीसी में, ये भी सेम ही काम करेगा, फ्रेंडली और सेफ वर्क प्लेस एलसीसी बनाएगा, वहाँ पर एक्शन लेगा, अवेयरनेस वर्कशॉप, अवेयरनेस मैसेजेस और सपोर्ट टू दी अग्रीव वुमेन। इसमें एक और चीज़ होती है दैट इज एनजीओ का सपोर्ट। अब आप देखिए जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है वो पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम कर रहा है, तो ऐसे में उसके पास बहुत सारी कंप्लेंट्स आ सकती हैं, हो सकता है कभी कभी वो प्रॉपर कंप्लेंट को नहीं सुन पाए ड्यू टू दी लैक ऑफ रिसोर्सेज, तो ऐसे में वो एनजीओ की मदद ले सकता है क्योंकि आईसीसी में तो सिर्फ एम्प्लॉयर और कुछ लोग हैं, तो ऐसे में वो एक कमेटी बना के जैसे कि आईसीसी बना के पूरा काम कर सकते हैं, बट एलसीसी में कभी कभी वर्कलोड बहुत ज्यादा हो जाता है क्योंकि केसेस तो बढ़ते ही जा रहे हैं, तो ऐसे में वो एनजीओ की मदद ले सकते हैं। फिर आती है आपकी पेनल्टी, सेक्शन नंबर 26 टॉक्स अबाउट पेनल्टी, अगर एम्प्लॉयर अपनी ड्यूटीज नहीं करता है तो फर्स्ट इंस्टेंस मतलब कि जो उसने फर्स्ट टाइम अगर ऐसा कुछ किया है तो उसे 50,000 तक का फाइन मिलेगा, और अगर उसे सेकंड टाइम सेम चीज करिए या सिमिलर चीज करिए तो ऐसे में जो पेनल्टी है वो डबल हो जाएगी, दैट इज अप टू 1 लाख रुपीज, जरूरी नहीं 1 लाख मिले, अप टू 1 लाख दिया जा सकता है, और उसका लाइसेंस या तो कैंसिल कर देंगे, या फिर मान लीजिए खत्म होने वाला था उसे रिन्यूअल करवाना था तो ऐसे में उसे रिन्यूअल ग्रांट नहीं करेंगे, या फिर लाइसेंस एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा, दैट टू डिपेंड्स ऑन द केस कि हुआ क्या है, कितना हीनियस है। यहाँ पर हमारा खत्म होता है सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्कप्लेस एक्ट, अब हम डील करेंगे चिल्ड्रन रिलेटेड लॉज, दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012। इसका भी एनफोर्समेंट डेट याद करना बहुत इजी है क्योंकि ये 14th नवंबर 2012 को आया था, हम जानते हैं कि 14th नवंबर को चिल्ड्रंस डे होता है, ये
मई 2012 में इसे प्रेसिडेंट की एसेंट मिली थी, 19 जून इफ आई एम करेक्ट, एक बार इसे आप देख लीजिएगा। देन है द एक्ट प्रोवाइड्स स्पेशल मैकेनिज्म ऑफ कंप्लेंट एंड हियरिंग सेक्सुअल ऑफेंसेस, इट प्रोवाइड्स स्ट्रिंजेंट पेनल्टीज। जब हमने देखा जब पार्लियामेंट ने देखा कि चिल्ड्रन के अगेंस्ट बहुत सारे ऐसे ऑफेंसेस हो रहे हैं जो कि बहुत गलत हैं और इसकी वजह से चिल्ड्रन बहुत ट्रोमैटिक कंडीशन में चले जाते हैं बचपन में ही और बहुत बाद तक, लाइक बड़े होने के बाद भी वो इस चीज़ को डील नहीं कर पा रहे हैं प्रॉपर्ली, तो ऐसे में उन्होंने स्ट्रिंजेंट पेनल्टीज लगाई। आप देखेंगे कि पॉक्सो में अगर कोई ऑफेंस कर रहा है तो उसको डेथ पेनल्टी तक मिल सकती है अगर उसने ऐसा हीनियस ऑफेंस किया है। तो यहाँ पे 9 चैप्टर्स हैं, ये एट आप हटा लीजिए, 9 चैप्टर्स हैं और 46 सेक्शंस हैं। फिर है पर्सन बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज, यहाँ पे चाइल्ड की डेफिनेशन बताइए कि चाइल्ड में क्या क्या इंक्लूडेड रहेगा। कोई भी बच्चा जो कि 18 साल से कम का है वो चाइल्ड में इंक्लूडेड रहेगा। अब देखिए ये जो ऑफेंसेस हैं मैं आपको एक चार्ट से बता देती हूँ, 5 तरह के ऑफेंसेस बताए गए हैं इसके अंदर। सबसे पहले तो बेसिक 3 ऑफेंसेस हैं जिसमें कि आपका कवर होएगा पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, इसको हमने फिर देखा है कि एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट हो जाता है। दूसरा होता है सेक्सुअल असॉल्ट, इसका बाद में दूसरा वर्जन है एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट, और फिर आपका आता है सेक्सुअल हैरेसमेंट। सेक्सुअल हैरेसमेंट का कोई एग्रावेटेड वर्जन नहीं है। तो ये हमारे हो गए 5 टाइप के ऑफेंसेस। इनका बेसिक डिफरेंस देखिए, जो सबसे कम जिसे हम ऑफेंस मानते हैं वो हो गया आपका सेक्सुअल हैरेसमेंट। यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज जहाँ पे कोई टच इन्वॉल्व नहीं है, कोई इंसर्शन इन्वॉल्व नहीं है, वो आपका आएगा सेक्सुअल हैरेसमेंट में। मतलब कि कुछ भी कर लो, जैसे कि कोई पर्सन जो कि लड़की को देखकर या किसी बच्चे को देखकर नेकेड हो जाता है, तो वो बच्चे को नेकेड किया है या खुद से नेकेड हुआ है, अगर वो चीज बिना किसी टच के हुई है तो इतना हीनियस ऑफेंस भी सेक्सुअल हैरेसमेंट में आएगा। अगर हम देखें स्टॉकिंग भी सेक्सुअल हैरेसमेंट में इंक्लूडेड है, अगर हम किसी को स्टॉक कर रहे हैं फॉलो कर रहे हैं। देन आपका आता है सेक्सुअल असॉल्ट। सेक्सुअल असॉल्ट में क्या होता है कि टच इंक्लूडेड रहता है। सेक्सुअल हैरेसमेंट का थोड़ा सा नेक्स्ट वर्जन होता है सेक्सुअल असॉल्ट। इसमें एक बहुत फेमस केस आया था सतीश रागड़े का, इसमें स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट बताया गया था कि जरूरी नहीं है स्किन टू स्किन ही टच हो रहा हो। अगर हमने कपड़े पहने हुए हैं, जैसे कि बच्चे ने कपड़े पहने हुए हैं, ऐसे में भी अगर उसके प्राइवेट पार्ट्स को टच किया जा रहा है या फिर बच्चे से खुद के प्राइवेट पार्ट्स को टच करवाया जा रहा है, तो वो चीज़ सेक्सुअल असॉल्ट में कवर होगी। और इसका एग्रावेटेड वर्जन है जो कि अगर कुछ पर्टिकुलर लोग कमिट कर रहे हैं तो वो चीज़ एग्रावेटेड वर्जन में आ जाएगी, वो भी अभी हम नेक्स्ट में देखेंगे कुछ पर्टिकुलर चीज़ें जो कि एग्रावेटेड में होंगी। देन आता है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। सेक्सुअल असॉल्ट का नेक्स्ट वर्जन होता है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। ऐसे में या तो विक्टिम जो है उसके साथ हो रहा है या फिर उसे करवाया जा रहा है, दैट इज कोई पर्सन बच्चे के साथ कर रहा है या बच्चे को खुद से करवा रहा है, और इसमें इंसर्शन होता है। अब आप देखिए कि जो इंसर्शन है वो भी जरूरी नहीं कि मैनुअल इंसर्शन हो रहा हो, वो किसी बॉडी पार्ट का भी हो सकता है जो कि मैनुअली हो रहा है या फिर किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू भी हो सकता है, और बच्चे के साथ हो सकता है और बच्चे से करवाया जा सकता है। तो इसका एम्बिट बहुत ही बड़ा दिया गया है इसी वजह से, सो दैट किसी को अगर हमें कमिट करवा अगर किसी ने कमिट किया और हम उसे ऑफेंस मान रहे हैं, हम उसे पनिश करवाना है, तो उसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आए। इसलिए इन सभी ऑफेंसेस की जो एम्बिट है वो वाइड रखी गई है। और सेम पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट में भी कुछ पर्सन अगर पर्टिकुलर पर्सन कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर जगह पर कर रहे हैं तो वो एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट में कवर होगा। अब ये है आपके कुछ एग्रावेटेड की कंडीशंस। ये आपकी टोटल 21 कंडीशंस दे रखी हैं और ये सारी चीज़ें उसमें इंक्लूडेड हैं, जैसे कि पुलिस कर रही है इन द कोर्स ऑफ ड्यूटीज, सिक्योरिटी फोर्सेस कर रहे हैं। ये इसलिए माना जाता है, इसका बेसिक मतलब सिर्फ इतना ही कि अगर हम किसी को इंटरेस्ट कर रहे हैं, दैट इज पुलिस है। अब हमें पता है कि पुलिस एक पब्लिक सर्वेंट है, उसे हमारे प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया है। ये एक इंटरेस्टमेंट है इम्प्लाइड बाई दी पब्लिक कि पुलिस तो हमें प्रोटेक्ट ही करेगी। ऐसे में अगर पुलिस ही हमारे साथ ऐसा कुछ गलत ऑफेंस कर रही है तो वो एग्रावेटेड की कैटेगरी में आता है। फिर देखिए स्टाफ और डायरेक्टर ऑफ एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, बच्चा पढ़ने के लिए जा रहा है और वहाँ पर उसके साथ ऑफेंस हो रहा है। एम्प्लॉइज ऑफ ऑर्फनेज, ऑर्फनेज अगेंस्ट प्रोटेक्शन के लिए वहाँ पर उसके साथ ऑफेंस हो रहा है। क्राइम कमिटेड ड्यूरिंग ये कम्युनल राइट, और हम देखते हैं कि ऐसी बहुत सारी कंडीशन है जैसे कि अर्थक्वेक हो गया आपका या कोई और नेचुरल कैलामिटीज अगर ऐसे में हो रहा है तो वो भी एग्रावेटेड में आएगा। देन है बाई ग्रुप और गैंग, अगर बच्चे के साथ गैंग रेप करोगे तो वो आगे कभी भीड़ में नहीं जा पाएगा, वो अपने आप ही इंट्रोवर्ट हो जाएगा। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, फायर आर्म्स या कोई और वेपन्स को यूज़ किया जा रहा है, ये ऑफेंस करने की वजह से बच्चे की डेथ हो जाती है या परमानेंट कोई डिसेबिलिटी हो जाती है, मेंटल डिसेबिलिटी हो जाती है, या कोई और पब्लिक सर्वेंट कर रहा है या फिर बच्चे का रिलेटिव कर रहा है। जैसा बहुत बार होता है कि हम बच्चे को किसी रिलेटिव के भेजते हैं रहने के लिए, वहाँ पर अगर उसके साथ ऑफेंस कमिट हो रहा है तो वो किसी को बोल ही नहीं पाता है, तो ये रिलेटिव ऑफ चाइल्ड हो गया। फिर है रिपीटेटिव ऑफेंस विद सेम चाइल्ड, बार बार अगर आप उसके साथ ऑफेंस करें, मान लीजिए एक बार ऑफेंस हुआ वो उसे थोड़ा नॉर्मल हुआ इतने में दोबारा हो जाता है, तो ऐसे में वो ट्रॉमा से कभी बाहर ही नहीं आ पाता है। फिर है जुवेनाइल होम स्टाफ और डायरेक्टर, अगर जुवेनाइल होम में अगेंस्ट प्रोटेक्शन के लिए बच्चे को छोड़ा जा रहा है, अगर वहीं का स्टाफ या डायरेक्टर ऐसा कुछ करेगा तो वो एग्रावेटेड की कैटेगरी में आएगा। फिर है सेक्सुअल असॉल्ट, टचिंग प्राइवेट पार्ट ऑफ बस। मैंने आपको बताया कि जो सेक्सुअल असॉल्ट है इसमें टच करना है, अब इसमें आप बच्चे से टच करवा रहे हैं या आप खुद टच कर रहे हैं, वो सारी चीज सेक्सुअल असॉल्ट में कवर होगी। फिर है एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट, ये भी आपको पता है कि अगर वो सेम पर्सन जो कि हमने अभी डिस्कस किए हैं वो लोग अगर ऐसा कुछ कर रहे हैं तो वो एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट में आएगा। देन है सेक्सुअल हैरेसमेंट, इसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड रहती हैं, जैसे कि शोइंग इलिसिट मटीरियल टू द चाइल्ड, बच्चे को कोई सी पोर्नोग्राफी या ऐसा कुछ ऑब्जेक्शनेबल चीज़ दिखा रहे हैं जो कि बच्चे के काम का नहीं है, अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं बच्चे के साथ जो कि सेक्सुअल इंटेंट के साथ है, सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स या फिर कोई ऑब्जेक्शनेबल जेस्चर, इसमें स्टॉकिंग भी आपका इंक्लूडेड रहेगा, वो सब आपका रहेगा सेक्सुअल हैरेसमेंट में। देन है पोर्नोग्राफी,
पोर्नोग्राफी हम ऑलरेडी इस लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि कोई भी ऑब्जेक्शनेबल चीज जो कि सोसाइटी के अगेंस्ट है, मॉरल वैल्यूज के अगेंस्ट है, और ऐसे में क्रिएटिंग पोर्नोग्राफिक मटेरियल इन्वॉल्विंग चाइल्ड, मतलब कि उसमें बच्चा इन्वॉल्व है, अब वो डिजिटली भी हो सकता है, ये आपको बाद में अमेंडमेंट से ऐड किया गया था क्योंकि बहुत लोग डिफेंस लेने लगे थे कि हमने बच्चे को यूज नहीं किया, ये तो हमने डिजिटली ऐसा बनाया है। बट मान लीजिए इंटरनेट का जमाना है, वो डिजिटली बनाई हुई इमेज उस बच्चे की अगर उस बच्चे के सामने आती है या उसके फैमिली या फ्रेंड्स के सामने आती है तो वो बच्चा कितना परेशान हो जाएगा, अगेन ये बहुत ही ट्रॉमेटिक कंडीशन हो जाती है, इसलिए इसमें डिजिटल फोटो भी इंक्लूडेड रहेगी। रिप्रेजेंटिंग सेक्सुअल ऑर्गन ऑफ द चाइल्ड, अब जो नॉर्मल पोर्नोग्राफी रहेगी आपकी वो सेक्शन नंबर 14 में पनिशेबल है और 15 इसी का हायर वर्जन हो जाता है जिसमें कि स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन या फिर कमर्शियल पर्पस के लिए हम यूज कर रहे हैं पोर्नोग्राफिक मटेरियल जो आपका है, जो स्टफ है, तो वो यहाँ पर पनिशेबल है। फिर है प्रोसेस ऑफ हियरिंग, किसी भी पर्सन को यहाँ पे पॉक्सो एक्ट में जो रिपोर्टिंग है, रिपोर्टिंग को मस्ट बताया गया है, और अगर कोई रिपोर्ट नहीं कर रहा है तो ये भी एक ऑफेंस है जो कि हम अभी आगे देखने वाले हैं। तो जो इन्फॉर्मेशन है क्राइम की वो सबसे पहले तो हमें रिपोर्ट करनी है या तो जनरल पुलिस, लोकल पुलिस जो रहेगी, या फिर SJPU स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट, ये आपका जीजे एक्ट में डिफाइन है, दैट इज जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। अब आप देखिए कि जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है, जैसे ही ऑफेंस हुआ हमें उस चीज की जो इन्फॉर्मेशन है वो फटाफट से 48 आवर्स नहीं है यहाँ पर, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, ये 24 आवर्स है, हमें 24 आवर्स में इन एनी कंडीशन वो जो कंप्लेंट हुई है उसकी इन्फॉर्मेशन हमें आगे देनी है ताकि इस पर एक्शन लिया जा सके। फिर जो बच्चा है उसे हम पुलिस स्टेशन नहीं बुलाएंगे क्योंकि पुलिस स्टेशन ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर कि हम बच्चे को बुलाए, वहाँ का माहौल ऐसा नहीं होता है, बच्चा डर जाएगा या फिर बच्चा बहुत टाइम तक परेशान रहेगा, हमेशा या तो बच्चे के होम पर या फिर उसकी कोई प्लेस ऑफ चॉइस, जैसे कि बच्चा कहता है कि मैं इस पार्क में कंफर्टेबल हूँ तो उसे उसी पार्क में बैठ के स्टेटमेंट दिया जाएगा। अगर कोई इंक्वायरी हो रही है बच्चे की तो वो फीमेल ऑफिसर करेगी, दैट टू ऑफ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर रैंक या फिर उससे ज्यादा। अब यहाँ पे फीमेल क्यों बोला गया है, क्योंकि ये माना जाता है, ये नॉर्मली हमारी सोसाइटी भी मानती है, लॉ भी मानता है, कोर्ट भी मानते हैं कि जो चाइल्ड रहता है उसे थोड़ी सी सिंपथी या एम्पथी की जरूरत होती है और वो चीज एक वुमेन जो है वो नेचुरली उसे प्रोवाइड कर सकती है। देन आता है कि अगर कोई स्टेटमेंट चल रही है, कोई इंक्वायरी हो रही है, तो ऐसे में प्रेजेंस ऑफ हिज पेरेंट्स या फिर कोई और पर्सन जिस पे कि वो बच्चा ट्रस्ट करता हो, अगर कोई ऐसा ट्रस्टेड पर्सन वहाँ पे है तो ही वो इंक्वायरी सही मानी जाएगी, अदरवाइज ऐसा कोर्ट या लॉ मानता है कि वो जो इंक्वायरी है वहाँ पे कहीं ना कहीं कोई थ्रेटनिंग पर्पज रहा है। फिर अगर कोई मेडिकल एग्जामिनेशन हो रहा है बच्चे का तो वो भी आपका फीमेल करेगी और किसी प्रेजेंस ऑफ गार्डियन या पेरेंट्स के प्रेजेंस में ही होगा। कुछ मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ है तो उसकी कॉपी गार्डियंस को दी जाएगी, पेरेंट्स को दी जाएगी, जो गवर्नमेंट है वो स्पेशल कोर्ट बनाएगी। आप देखिए अगेन जैसा कि हमने बाकी जगहों पर देखा था, जैसे कि RTI हो गया, IT एक्ट हो गया, वैसे ही पॉक्सो है, इसका भी हमें स्पीडी ट्रायल करना पड़ेगा ताकि जल्दी से जल्दी बच्चे को उसका रिलीफ मिल सके, रेमेडी मिल सके, तो इसीलिए हमने स्पेशल कोर्ट बनाए हैं। ये जो स्पेशल कोर्ट है आपका कोर्ट ऑफ सेशन, सेशन कोर्ट सुना है आप लोगों ने, उसे कोर्ट ऑफ सेशन के इक्वली रैंक का रहेगा ये जो स्पेशल कोर्ट है वो, और अगर किसी जगह पर नहीं है तो वहाँ का जो पर्टिकुलर कोर्ट ऑफ सेशन है उसी का एक पार्ट स्पेशल कोर्ट फॉर दी पॉक्सो माना जाएगा। फिर है द चाइल्ड शैल नॉट बी कॉल्ड फ्रीक्वेंटली, उसे बार बार नहीं बुलाया जाएगा क्योंकि फिर तो वही बात होगी कि अगर पुलिस स्टेशन बुला रहे हैं तो बच्चे को परेशान कर रहे हैं, फ्रीक्वेंटली बुला रहे हैं परेशान कर रहे हैं, बट फिर भी अगर उसका स्टेटमेंट चल रहा है किसी वजह से एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में तो उसे बार बार ब्रेक दिए जाएंगे। ऑब्जेक्शनेबल क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, कोर्ट पहले चेक करेगी कि आप बच्चे से क्या क्वेश्चन करने वाले हैं, अगर वो ऐसा क्वेश्चन है जो कि जरूरी है पूछना बट कहीं ना कहीं उसमें ऑब्जेक्शनेबल आइटम्स हैं तो फिर वो कोर्ट एक स्वीट मैनर में उसे क्वेश्चन करेगी। हम पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अलाउ नहीं करते हैं पॉक्सो में कि वो उसे गलत तरह की क्रॉस एग्जामिनेशन टाइप क्वेश्चन पूछे। ये जो हियरिंग रहेगी आपकी पूरी जो स्टेटमेंट इंक्वायरी रहेगी वो ऑडियो वीडियो मैनर में रिकॉर्डेड रहेगी। जो कोर्ट्स रहेंगे स्पेशल कोर्ट्स हैं जो पॉक्सो वाले वो चाइल्ड फ्रेंडली एटमॉस्फेयर वाले रहेंगे और पूरे प्रोसेस में कहीं भी चाइल्ड की आइडेंटिटी रिवील नहीं की जाएगी, अगर बाय चांस किसी ने रिवील की है तो फिर वो एक पनिशेबल ऑफेंस है। देखिए इफ आइडेंटिटी रिवील बाय मीडिया पर्सन, अगर किसी मीडिया पर्सन ने या एडिटर ने रिवील कर दिया आइडेंटिटी तो 6 months का इंप्रिजनमेंट एंड फाइन। अगर किसी पर्सन को नॉलेज था कि बच्चे के साथ ऑफेंस हो रहा है और उसने रिपोर्ट नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर रिपोर्टिंग मैंडेटरी है, तो उसे भी 6 months का इंप्रिजनमेंट और फाइन मिलेगा। फिर है कि ये तो हो गए नॉर्मल पर्सन, अगर कोई पर्सन जो कि डायरेक्टर है, मैनेजर है किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या कमेटी का, उसे पता है कि मेरे यहाँ पर ये सब चल रहा है और उसने बताया नहीं है, उसे रोकने की कोशिश नहीं करी, तो उसके लिए यहाँ पर इंप्रिजनमेंट बढ़ जाएगी, उसे 1 साल का मिलेगा अलॉन्ग विद दी फाइन। इन सभी ऑफेंसेस में फाइन भी दिया जा सकता है कि कोर्ट डिसाइड करेगी कि कितना फाइन मिलना है और सिमिलर पेनल्टीज ऑन ऑल दी क्रिमिनल्स हू पार्टिसिपेटेड। जरूरी नहीं है कि एक पर्सन ज्यादा कर, मतलब हो जाता है कि ग्रुप में ऑफेंस हुआ, एक ज्यादा कर रहा है एक कम कर रहा है, तो ऐसे में उन्हें अलग अलग नहीं मिलेगी पनिशमेंट, उन सबको पनिशमेंट सेम ही मिलेगी। इसलिए हमने जो एग्रावेटेड हमने अभी पढ़ा था, एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट और एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट, उसमें भी गैंग वाला जो प्रोविजन है वो डाला गया है, और जब भी कोई ग्रुप या गैंग का ऑफेंस होता है पॉक्सो में या IPC में तो माना जाता है कि सभी गैंग मेंबर्स ने मिलकर एक साथ कमिट किया है, इक्वल लाइबिलिटी रहेगी सबकी। फिर है पॉक्सो बॉक्स बनाए जाएंगे, कभी कभी क्या होता है कि बच्चे डर जाते हैं, बताते नहीं है, या फिर किसी और को पता है पर वो बता नहीं पा रहा है किसी भी वजह से, तो इसीलिए पॉक्सो बॉक्स बनाए गए हैं, यहाँ पर वो कंप्लेंट्स अपनी डाल सकते हैं। अगर उन्हें पता नहीं है कि हम किसको बताएं या वो डर रहे हैं तो ऐसे में वो यहाँ पर कंप्लेंट्स डाल देंगे और फिर उसकी इंक्वायरी होना स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे सारी आपको वही सेक्शंस और उनकी पनिशमेंट्स बताई गई हैं। सबसे पहला आता है सेक्शन नंबर 3, ये देखिए आपका ना साथ में चलते हैं, ये कुछ सेक्शंस हैं।
जो आपके 5 मेजर ऑफेंसेस थे, ये साथ में चलता है 11 के साथ आएगा 12। 3 में डिफाइन किया गया है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट को और 4 में उसकी पेनल्टी। 5 में एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट और 6 में उसकी पेनल्टी। 7th में सेक्सुअल असॉल्ट फिर उसकी पेनल्टी। 9th में एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट उसकी पेनल्टी। 11th में डिफाइन किया गया है सेक्सुअल हैरेसमेंट और 12th में उसकी पेनल्टी बताई गई है। ये आप देखिए यहाँ पर डेथ पनिशमेंट तक मिल सकती है अगर इतना हीनियस ऑफेंस अगर हो जाता है तो। ये अगेन कुछ पेनल्टीज हैं जो कि आप देख लीजिएगा। फिर आता है अगर पोर्नोग्राफिक पर्पस, जो कि हमने देखा था 13, 14 एंड 15 में। 13 हो गया पोर्नोग्राफिक, हमने नॉर्मली डिफाइन किया कि कब होता है। 14 में उसकी बेसिक पनिशमेंट होगी और 15 में अगर पोर्नोग्राफी में भी कुछ हीनियत है, जैसे कि उसने स्टोर करके रखा है, डिलीट नहीं किया, दूसरा वो उस मैटर को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, और थर्ड कमर्शियल पर्पस के लिए यूज कर रहा है, तो ये कुछ पेनल्टीज रहेंगी, इन्हें आप देख सकते हैं। यहाँ पर हमारा खत्म होता है पॉक्सो भी। अब हम देखेंगे चाइल्ड लेबर लॉज। ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके रिगार्डिंग जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें भी प्रोविजन दिए गए हैं। आर्टिकल नंबर 24 टॉक्स अबाउट दिस। आर्टिकल नंबर 24 ये कहता है कि जो 14 ईयर तक के स्टूडेंट रहेंगे वो काम तो कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उस टाइम पे कुछ हालात ऐसे थे इसलिए प्रोविजन डाला गया था, वो काम तो कर सकते हैं बट कुछ भी हजार्डस वर्क नहीं करेंगे, जैसे कि माइन या कांच की फैक्ट्री, जो चूड़ी फैक्ट्रीज होती है, इनको कोर्ट्स ने बताया है टाइम टू टाइम कि ये हजार्डस वर्क में आता है, तो ऐसी जगह पर बच्चे काम नहीं कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कि चाइल्ड लेबर इंडिया में कैसे है। इन इंडिया चाइल्ड लेबर एक्ट, ये एक एक्ट था जो कि 1986 का है, इसमें बोला गया था कि चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 वाज अलाउड टू बी एम्प्लॉयड इन एनी वर्क एक्सेप्ट सम रिस्की हजार्डस वर्क। ये सेम हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पर बेस्ड है और यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो रेगुलेट करेगी सारी वर्क कंडीशंस को। बट अब आता है आपका 2009 में राइट टू एजुकेशन एक्ट, उसमें बोला गया कि 6 to 14, ये आपका अगेन आया था फंडामेंटल राइट पे बेस्ड, वो मैं अभी आपको बताती हूँ। 6 to 14 के जितने भी बच्चे रहेंगे उन सबकी जो एजुकेशन है वो कंपलसरी कर दी गई थी राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में। अब आपका आर्टिकल है एक कॉन्स्टिट्यूशन में 21A, इसको आपका ऐड किया गया था 86 अमेंडमेंट 2002 से, उसमें ये सेम चीज बोली गई थी जिसकी वजह से कि आरटीई एक्ट को फोर्स में लाया गया है। अब पहले ये बोला अब ये बोला, ये तो आपस में ही बहुत कॉन्ट्रडिक्शन में हो गया, इसीलिए इनका हारमोनियस कंस्ट्रक्शन करने के लिए एक नया एक्ट लाया गया, उस लॉ को हम 2016 में लेकर आए हैं और उसे हम कहते हैं चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट। और अब हम ये जो 2016 वाला लॉ है उसी में देखेंगे कि किस तरह से ये जो हार्मनी बिठाई गई है दो कॉन्ट्रडिक्टरी प्रोविजंस में। दिस अमेंडेड कैटेगराइज पर्सन बिलो 18 ईयर्स, मतलब कि ये तो हमें पता है कि जो चाइल्ड है वो 18 ईयर से कम का होगा, उसे हमने दो क्लासेस में डिवाइड कर दिया है। सबसे पहले चाइल्ड जो कि 14 ईयर से कम का होगा उसे हम बोलेंगे चाइल्ड, और दूसरा जो कि 14 टू 18 है उसे हम बोलेंगे एडोलेसेंट। आप देखिए एम्प्लॉयमेंट ऑफ चाइल्ड मतलब कि जो 14 ईयर से कम का उसको तो कम्प्लीटली प्रोहिबिट कर दिया गया है, बट एडोलेसेंट कैन बी एम्प्लॉयड, जो एडोलेसेंट बच्चा है उसको हम देखेंगे कि समय समय पे वो एम्प्लॉय हो सकता है। कब हो सकता है वो अभी हम देखेंगे। केस वन, जो कि चाइल्ड है वो अपने फैमिली बिजनेस को सपोर्ट कर सकता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल किसी की दुकान है, स्कूल के बाद बच्चा दुकान में आ गया, अब उसके पापा बैठे हैं और वो हेल्प कर दे रहा है कि बेटा वहाँ से सामान लेकर आना, तो दैट इज अलाउड। फिर है केस टू, कि अगर कोई आर्टिस्टिक टैलेंट, अगर आपने देखा हो तो आजकल बहुत ऐसे टीवी पे शोज चल रहे हैं छोटे छोटे बच्चों के, सिंगिंग कॉम्पिटिशन, डांसिंग कॉम्पिटिशन और थिएटर टाइप, तो ऐसे में वो अपना स्किल बेस्ड, टैलेंट बेस्ड, आर्ट बेस्ड वर्क कर सकते हैं, ऐसे में वो एम्प्लॉयमेंट कर सकते हैं, बट ये सर्कस में नहीं होगा क्योंकि ये प्योरली कमर्शियल पर्पज के लिए होता है। दूसरा, उसकी एजुकेशन हार्म नहीं होनी चाहिए, किसी भी बच्चे की एजुकेशन तो कंपलसरी है, वो तो चलना ही चाहिए साथ में। और थर्ड, हजार्डस बिजनेस में बच्चे इन्वॉल्व नहीं होंगे। फिर है पेनल्टीज, पहली बात तो करेंगे नहीं बट फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो करवाते हैं या कर रहे हैं अभी भी। सबसे पहला जो प्रोविजन है दैट इज अबाउट पेरेंट्स, अगर पेरेंट्स ने पहली बार करवाया तो कोई पेनल्टी नहीं है, बट अगर पेरेंट्स भी नहीं समझ रहे हैं दोबारा करवाया है तो आपको 10,000 तक की पेनल्टी मिल सकती है फॉर दी सब्सिक्वेंट ऑफेंस फॉर दी सेकंड टाइम। फिर आता है पर्सन हु एम्प्लॉयज द चाइल्ड और एडोलेसेंट, मतलब कि दोनों केसेस के बच्चे अगर किसी हजार्डस वर्क में इंक्लूडेड हैं तो ऐसे में 20,000 से 50,000 तक की पेनल्टी उन्हें लग सकती है और 6 months टू ईयर्स तक का जेल उन्हें हो सकता है। फिर है कि गवर्नमेंट ने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जहाँ पे, जैसे कि पॉक्सो बॉक्स था बिल्कुल वैसे ही, जहाँ पर हम चाइल्ड लेबर की कंप्लेंट्स डाल सकते हैं, इट इज नोन एज पेंसिल, प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव एनफोर्समेंट ऑफ नो चाइल्ड लेबर। फिर है कि जो गवर्नमेंट है उसे चाइल्ड लेबर रिहैबिलिटेशन फंड फॉर कल्चर ऑफ चिल्ड्रन भी बनाया गया है, इसमें हम बच्चों के लिए ही फंड्स डालेंगे, अभी हम देखेंगे कौन से फंड्स। ये देखिए गवर्नमेंट डिपॉजिट 15,000 रुपये हर रेस्क्यूड बच्चे के लिए उसमें डाला जाएगा, ये जो अभी हमने फंड देखा ना इसी में, अलॉन्ग विद द पेनल्टी। अभी हमने ऊपर देखा कि जो पेनल्टी ली जा रही है पेरेंट्स से ली जा रही है, किसी और से ली जा रही है, वो सारी पेनल्टीज भी इसी फंड में डिपॉजिट की जाएंगी। यहाँ पर हमारा खत्म होता है चाइल्ड लेबर लॉज। इससे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते, जितना भी बनने लायक था वो सारा यहाँ पर कवर हो गया है। अभी हम देखेंगे आज का लास्ट एक्ट, वो रहेगा आपका मेंटेनेंस ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन वेलफेयर एक्ट। देखिए ये आपका आया है अगेन 2007 में, मतलब कि बहुत लेट आया है। इसके आने की भी, जैसे कि हर एक्ट के पीछे एक स्टोरी होता है, इसका भी यही स्टोरी था कि
धीरे धीरे जो हमारी न्यूक्लियर फैमिलीज है वो बढ़ रही है, और जो पेरेंट्स और जो सीनियर सिटीजन है वो बहुत ज्यादा ओल्ड एज होम में भेजे जाने लगे थे, और ऐसा फ्रॉड बहुत होने लगा था कि मान लीजिए किसी का लीगल हायर नहीं है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, तो जिनके पास वो प्रॉपर्टी सोचते थे कि हमारी डेथ के बाद प्रॉपर्टी जाएगी, तो वो प्रॉपर्टी पहले ट्रांसफर कर देते थे सो दैट वो उन्हीं को अपना लीगल हायर बना ले। बट प्रॉपर्टी ट्रांसफर होते ही उनके साथ फ्रॉड होने लगता था कि अब तो जैसे ही प्रॉपर्टी मिली उन्हें घर से निकाल दिया। तो ऐसे बहुत सारे केसेस होने लगे थे, इसलिए पार्लियामेंट की नजर इस पर पड़ती है और उन्होंने 29 दिसंबर 2007 को ये एक्ट एनफोर्स करवाया। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? टू प्रोवाइड मेंटेनेंस एंड एक्सपेंसेस टू पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजंस। इस पूरे एक्ट में 6 चैप्टर्स हैं, 32 सेक्शंस हैं, ज्यादा बड़ा ये एक्ट है नहीं। अब देखिए जो पेरेंट्स और सीनियर सिटीजन हैं, इन दोनों की एज यहाँ पर सेम रखी गई है, और यहाँ पे जो एज है वो 60 ईयर्स रखी गई है। ये 60 ईयर्स रखने का छोटा सा रीजन है कि जो मोस्टली गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब होती है उसमें रिटायरमेंट एज 60 हो जाती है। बहुत कम ऐसी जॉब्स हैं जहाँ पर 60 के बाद रखा जाता है। प्राइवेटली तो बहुत लोग काम कर सकते हैं बट जनरली रिटायरमेंट इस एज में हो जाता है, तो उसके बाद में वो कैसे मेंटेन करेंगे खुद को, इसलिए यहाँ पे जो एज है वो 60 ईयर्स रखी गई है। पेरेंट्स कौन होते हैं? पर्सन ऑफ 60 ईयर्स और अबव हु डिमांड मेंटेनेंस फ्रॉम देयर चिल्ड्रन विल बी नोन एज पेरेंट्स। बच्चे कौन रहेंगे? सन एंड डॉटर, अब कोई भी हो सकता है, बायोलॉजिकल, अडॉप्टेड, यहाँ पे फॉस्टर चाइल्ड भी इंक्लूडेड है, ग्रैंड सन, ग्रैंड डॉटर, मतलब कि जिस जिसका पेरेंट्स ने ख्याल रखा है अब वो सब मिलकर पेरेंट्स का और सीनियर सिटीजन का ख्याल रखेंगे। अब मेंटेनेंस में भी सारी आपकी बेसिक चीजें इंक्लूडेड रहेंगी, जैसे कि फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, रेसिडेंस, मेडिकल ट्रीटमेंट या कुछ और जो कि डिपेंडिंग ऑन द केस उस टाइम पे जरूरत है। सीनियर सिटीजन भी सेम ही है पेरेंट्स की तरह। फिर है रिलेटिव, सबसे ज्यादा जो केसेस आते हैं वो इसी के ऊपर भी जाते हैं। पर्सन हैविंग इनहेरिटेंस इन प्रॉपर्टी और लीगल हायर, बट इसमें माइनर्स एक्सक्लूडेड है, मतलब कि प्रॉपर्टी जिसके पास जाने वाली है अगर किसी का लीगल हायर नहीं है तो, या फिर जो लीगल हायर बनने वाला है आफ्टर दी डेथ ऑफ सच पर्सन, वो सारे रिलेटिव की कैटेगरी में आएंगे, और यहाँ पे माइनर एक्सक्लूडेड है क्योंकि माइनर को हम फेवरेबल तो बहुत कुछ बेनिफिट दे सकते हैं बट यहाँ पर पेरेंट और सीनियर सिटीजन की मेंटेनेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी साथ में जा रही है, तो इसीलिए माइनर्स इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि माइनर्स पे कोई भी लाइबिलिटी इंपोज नहीं हो सकती, उनको सिर्फ बेनिफिट दिया जा सकता है। फिर है एप्लीकेशन फॉर मेंटेनेंस। एप्लीकेशन कैसे फाइल करेगा और कौन करेगा? पेरेंट्स और सीनियर सिटीजन फाइल करेंगे या किसी रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू फाइल करवा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो ट्रिब्यूनल्स हैं, जरूरी नहीं कि हर कोई एक्चुअली फाइल कर ही पाता हो, यहाँ पे वो सुओ मोटो एक्शंस लेंगे। ये देखिए सुओ मोटो एक्शंस लिया जाएगा, मतलब कि वो लोग खुद से सेल्फ एक्शन लेंगे बिना किसी की, या तो कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव ने फाइल नहीं किया हो, या फिर खुद ने फाइल नहीं किया हो, या फिर उन्हें फाइल करना नहीं आ रहा हो, बट अगर ट्रिब्यूनल्स की नजर चली गई है तो वो यहाँ पे सुओ मोटो एक्शन लेंगे। अपॉन रिसीविंग सच एप्लीकेशन ट्रिब्यूनल प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू बोथ दी पार्टीज, वही नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल फॉलो होगा, दोनों पार्टीज को सुना जाएगा उसके बाद ही कोई ऑर्डर देंगे, और जो प्रॉपर पूरा फाइनल डिसीजन है वो 90 डेज में आ जाएगा। अब क्या होता है कि हमने नोटिस तो भेज दिया दूसरी पार्टी को आने के लिए, बट जो भी रिलेटिव या जो चिल्ड्रन है वो आते ही नहीं है जानबूझ के, तो ऐसे में जो ट्रिब्यूनल है वो उस ऑफेंस की ग्रेविटी देखते हुए एक्स पार्टी ऑर्डर दे देगा, और एक्स पार्टी ऑर्डर दे दिया मतलब कि मेंटेनेंस का ऑर्डर मिल गया। अब जब मेंटेनेंस का ऑर्डर मिल गया है तो जिसके अगेंस्ट मिला है उसे 30 डेज में वो मेंटेनेंस प्रोवाइड करना होगा। अब ये चीजें थोड़ा सा इंपॉर्टेंस है, देखिए 30 डेज लिखा हुआ है, 1 मंथ नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि कुछ महीने में 30 डेज होते हैं, कुछ महीने में 31 डेज भी होते हैं, जैसे फेब में तो 28 डेज ही होते हैं, तो यहाँ पे 30 डेज लिखा हुआ है, 1 मंथ नहीं लिखा हुआ है। फिर है इंटरेस्ट इज एप्लीकेबल ऑन डिलेड पेमेंट, यहाँ पर मेंटेनेंस ऑर्डर किया नहीं दिया तो अब उस पर इंटरेस्ट लगना स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पर इसके बाद भी वो अनपेड रहता है, कुछ लोग उसके बाद भी नहीं देते हैं, तो वो अब एक लीगल पेनल्टी माना जाएगा, और जैसे ही आपकी लीगल पेनल्टी में डिफॉल्ट होता है तो यहाँ पर डिफॉल्ट इंप्रिजनमेंट का प्रोविजन बनाया गया है, और जो आपकी डिफॉल्ट इंप्रिजनमेंट है वो रहेगी 1 मंथ तक की, मतलब कि दे दो वरना नहीं मिलेगा तो इंटरेस्ट लगेगा, उसके बाद भी लीगल पेनल्टी मान ली जाएगी, उसके बाद भी नहीं दिया तो 1 मंथ तक का इंप्रिजनमेंट हो सकता है। उसके बाद में कि अगर कोई चिल्ड्रन या रिलेटिव जिसके पास ये प्रॉपर्टी गई है उसकी अगर डेथ हो जाती है तो भी वो जो मेंटेनेंस ऑर्डर है वो फोर्स में रहेगा, क्योंकि प्रॉपर्टी उनके पास जा चुकी है, तो या तो वो अब अपनी प्रॉपर्टी से फुलफिल करेंगे या जो हमारी इनकी प्रॉपर्टी थी मतलब कि पेरेंट्स या सीनियर सिटीजन की प्रॉपर्टी उन्हें रीट्रांसफर हो जाएगी। फिर इफ अ पर्सन इज नॉट सेटिस्फाइड विद दिस ऑर्डर तो वो एक अपील फाइल कर सकते हैं टू द एपीलेट ऑफिसर, और अपील फाइल करने का टाइम है विद इन 60 डेज। 60 डेज में तो हमें फाइल करनी है, और ये जो अपील है वो चली गई है तो वो जो अपील डिसाइड होगी 30 डेज में, मतलब कि 30 डेज में अपील आपकी डिसाइड हो जाएगी, फाइनल डिसीजन आ जाएगा। फिर है मैक्सिमम मेंटेनेंस अमाउंट पर मंथ शैल नॉट एक्सीड 10,000 रुपए। अभी तक का अगर हम टाइम देखें तो 10,000 रुपए फॉर बेसिक लाइवलीहुड ठीक रहता है, मतलब कि इसमें खाना पीना हो जाता है पूरा, बट हो सकता है टाइम के साथ इसमें अमेंडमेंट हो जाए क्योंकि हम यहाँ पे रीजनेबल प्रोवाइड कर रहे हैं, तो अभी के लिए 10,000 रुपए इज इनफ। स्टेट गवर्नमेंट मेंटेनेंस ऑफिसर बनाएगी, हर डिस्ट्रिक्ट में बनेगा, और उनकी जो रैंक है वो DWCO मतलब कि डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर सोशल ऑफिसर्स के रिगार्डिंग उनकी रैंक रहेगी, और इससे ज्यादा होगी बट इससे कम नहीं होगी। जो स्टेट गवर्नमेंट है वो मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल बनाएगी, इसी एक्ट में क्योंकि ये स्पेशल एक्ट है इसके लिए बन रहे हैं मेंटेनेंस ऑफिसर्स, अब उसके लिए बन रहा है मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल मतलब कि यहाँ का स्पेशल कोर्ट। अब इस स्पेशल कोर्ट का प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन रहेगा? DM रैंक या फिर उससे ऊपर वाले ऑफिसर्स। अब आता है स्टेट गवर्नमेंट की क्या क्या ड्यूटीज हैं, तो सबसे पहले तो वो हर डिस्ट्रिक्ट में ओल्ड एज होम बनाएगी, हर ओल्ड एज होम की कैपेसिटी एटलीस्ट 150 सीनियर सिटीजन तक की होगी, वहाँ पे उनका ऑब्जेक्टिव है कि शेल्टर प्रोवाइड करें, अगर उनके पास कोई सफिशियंट रिसोर्सेज नहीं है या फिर कोई चिल्ड्रन या रिलेटिव नहीं है तो हम उन्हें शेल्टर या जो भी रिक्वायर्ड चीज़ें होती हैं फैसिलिटीज होती हैं वो प्रोवाइड करें। हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सीनियर सिटीजन के लिए बेड चाहिए तो वो प्रायोरिटी पे मिलेगा।
जो भी हॉस्पिटल्स रहेंगे वहाँ पे एक सेपरेट रो बनाई जाएगी फॉर सीनियर सिटीजन। अगर कुछ एक्सटेंडेड ट्रीटमेंट है, जैसे कि अगर किसी को क्रोनिक डिजीज है, तो ऐसे के लिए उसे ट्रीटमेंट फैसिलिटीज भी प्रोवाइड की जाएंगी फॉर सीनियर सिटीजन, और ये गवर्नमेंट कर रही है। और जो गवर्नमेंट है वो इसके रिगार्डिंग पब्लिसिटी और अवेयरनेस मेजर्स भी लेगी, सो दैट सबको ये चीज पता रहे कि पेरेंट्स और सीनियर सिटीजन के लिए एक्ट बनाया गया है, अगर आप उनके राइट्स इंफ्रिंज करेंगे तो उनके पास ये रेमेडी अवेलेबल है, आपके अगेंस्ट पेनल्टी लगाई जा सकती है। अब देखिए, इफ सीनियर सिटीजन ट्रांसफर्स हिज प्रॉपर्टी टू हिज रिलेटिव विद द ऑब्जेक्ट ऑफ रिसीविंग मेंटेनेंस फ्रॉम दैट रिलेटिव स्टॉप्स द मेंटेनेंस आफ्टर गेटिंग प्रॉपर्टी, मतलब कि सीनियर सिटीजन ने अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी किसी ऐसे पर्सन को जो कि उसका डायरेक्टली लीगल हायर नहीं है बट एक रिलेटिव है, सो दैट उसे जब सीनियर सिटीजन को जरूरत पड़े तो उसे वो मेंटेनेंस प्रोवाइड करे। बट यहाँ से सारा फ्रॉड स्टार्ट होता है, मेंटेनेंस मिलते ही, जब मेंटेनेंस देने की बारी आई, प्रॉपर्टी मिलते ही उसने बात बात करना बंद कर दिया। तो ऐसे में सीनियर सिटीजन के पास क्या रेमेडी है, वो मेंटेनेंस ऑफिसर के पास कंप्लेंट फाइल कर सकता है। अब जो ऑफिसर रहेगा वो या तो इस रिलेटिव को डायरेक्ट करेगा कि आप मेंटेनेंस दीजिए, या फिर वो जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर की थी उसे रीट्रांसफर करवा देगा। फिर आता है अबैंडनमेंट ऑफ पेरेंट्स और सीनियर सिटीजन। ये जो पूरा एक्ट है उसे बनाने का सोल पर्पज यही है कि इन लोगों, ये जो पेरेंट्स और सीनियर सिटीजन है, इनको कोई अबैंडन ना करे, इनको प्रॉपर मेंटेनेंस प्रोवाइड किया जाए जो भी रीजनेबल है। तो इसीलिए अगर कोई प्रोवाइड नहीं करता है तो उसके अगेंस्ट पेनल्टी रहेगी, वही यहाँ पर दी हुई है, 3 months और ₹5,000। मतलब कि अगर कोई चिल्ड्रन या कोई रिलेटिव अबैंडन कर देता है तो उन्हें 3 months तक का जेल हो सकता है और 5,000 तक का फाइन हो सकता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने ये कुछ पर्टिकुलर लॉज कवर किए हैं। कल हम आपका जो बचा हुआ लॉ का सिलेबस है लेक्चर नंबर 3 वो कवर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन कीप रिवाइजिंग।